गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग श्रीधर डे आज हम सेशन की शुरुआत करने वाले सेशन नहीं हम बैच की शुरुआत करने वाले आज ठीक है बट हम शुरुआत करें उसके पहले आप सबसे मैं जानना चाहूंगा आपका नाम क्या है और आप कौन से सिटी से हो ठीक है एक बार मालूम तो बढ़े हम दुनिया के कौन से कौन से कोने से पढ़ रहे है, है ना चलो फटाफट से मुझे बता दो आप कहाँ से हो और आपका नाम क्या है ठीक है नाम तो आपका दिख जाएगा मुझे आप सिर्फ कहां से बता देना ठीक है हेलो राहुल हेलो भूषण हेलो गौरव हेलो फरजाना हेलो प्रियंका श्रद्धा हेलो हर्ष हेलो रुचि हेलो यश चलो दिवेश कहते हैं हम गुरगांव से हैं सर बाकी ओके परफेक्ट कोमल कहते हैं जयपुर से आयुष रायपुर से इंदौर से कोलकाता से रायपुर से खुशी है मुंबई से अंजलि है मुंबई से कुणाल है आर जी आप वाला हॉस्टल मैं आरवी जी हॉस्टल का नहीं हूँ भाई बट यस आई स्टे इन मुंबई तो मुझे पता आर जी हॉस्टल के बारे में यस प्रियंका कहते हैं मुंबई श्रद्धा कहते हैं जोधपुर अहमदाबाद कोलकाता बिहार मोहित कहते हैं दिल्ली से रजन कहते हैं गुजरात से ठीक है रुचि बिहार से दीपा फ्रॉम यूपी गाजियाबाद ठीक है आम जानवी कहते हैं लुधियाना से रचित कहते हैं कानपुर से मुंबई वाले मैं मैं मुंबई से हूँ द वे जस्ट टू टेल यू चलो ठीक है निकिता कहते हैं वडोदरा से जितेंद्र कहते हैं जोधपुर से ओके दिल्ली से जयपुर से भाई साहब मैं भी थक गया हूँ ठीक है पढ़ पढ़ के मतलब हम समझ रहे हैं कि हम सब लोग मिलके दुनिया के अलग अलग कोने से जुड़ चुके हैं ठीक है बहुत बढ़िया बात है ठीक है तो मैं बता दूं मेरे बारे में मेरे बारे में दो चीज़ बताऊंगा सबसे पहले मेरा नाम आकाश कंदोईया और मैं मुंबई से हूं मेरे ख्याल से इतना तुम्हारा जानना काफी है बाकी और बातें तो हम बैच के दौरान करते ही चलेंगे ठीक है अब हम बात करते हैं सीए फाइनल के बारे में ये पढ़ने आया ना मेरे बारे में थोड़ी ना पढ़ने हो तुम लोग तुम तो लो लो तो ये पढ़ने आयो। तो इसकी बात कर लेते हैं सीए फाइनल के बारे में ठीक <coughs> है सीए फाइनल दो ग्रुप होते हैं ग्रुप वन ग्रुप टू हाँ इतना तो पता है सर ठीक है पहला पेपर होता है एफआर पेपर नंबर वन इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को आज के बाद हम प्यार से ऐसे पेट नेम रखेंगे एफ ठीक है अरे यस और नो ठीक है तो इसका हम अच्छा किशन कंदोई है दिल्ली से कंदोई भी है भाई अपने बैच में आकाश कंदोई छोड़ के किशन कंदोई भी है वेरी गुड ठीक है मालूम पड़ा रिश्तेदार निकला तो बोलेगा सर फीस रिफंड दे दो रिफंड नहीं मिल रहा कुछ ठीक है हाँ एनी वेज फिनेशियलियल रिपोर्टिंग को अपन प्यार से आज से क्या बोलेंगे एफ आर बोलेंगे ठीक है तो हम एफ आर पढ़ेंगे आकाश कंदोई से इसलिए बोलेंगे एफ आर भी देखे हाँ सर ये कर लो पहले आप एनी वेज अब है ना मुझे आपसे क्या जानना सुनना पहला दिन है, करना, कोई मचाने की नहीं है, से पढ़ेंगे सो है? है में से कितना टारगेट इन एफआर मतलब मैं जानना चाहूंगा कुछ तो टारगेट लेके आएंगे ना कि एफआर में हमको इतना स्कोर करना है वट इज योर टारगेट इन एफ फटाफट से मेरे को बताओ जल्दी जल्दी बताओगे सब लोग टारगेट चाहिए मुझे एफआर चलो क्या विनीत कहते हैं एट्टी तन्मय कहते एट्टी फाइव ठीक है ऋषिका कहते हैं नाइनटी ओके कुणाल कहता है मिनिमम सिक्सटी फाइव कोई कहता है एट्टी प्लस कोई एक सौ दस कहता है एक सौ दस कैसे आएगा भाई कैसी बातें कर रहे हो तुम यार प्रियांशु कहते हैं एट्टी अराउंड कोई बोलता है एग्जेमशन हर्ष ने कहा एट्टी प्लस अखिलेश ने कहा नाइनटी फाइव ठीक है 70 के टेवेंटी से एट्टी के रेंज में सार्थक बोलता है अजीब कोई नंबर ही बोल रहा है सार्थक भाई साहब सार्थ क्या कर रहे हैं सार्थक आपका 75, आ, 80, है ना कनिका कहते हैं सेवेंटी फाइव प्रियांशु कहते एट्टी ठीक है नवेंद्र कहते हैं नाइनटी संजय कहते हैं सेवेंटी ठीक है तो अब है ना मैं आपसे एक बात कहूंगा अगर आपका टारगेट है ना 60, 65 वगैरह है या 50 है 55 है भाई दिस बैच इज नॉट फॉर यू अरे एफ आर ए भाई एफ आर एज अ प्रैक्टिकल पेपर यहां नहीं स्कोर करोगे तो कहां स्कोर करोगे आपको सीना तो डरा रहेगा एफ आर लेंदी है लें ये वो कुछ है नहीं है इजी है एकदम बढ़िया एकदम ईजी है मैं बता रहा हूं ना ईजी है मैं भरोसा रखो मेरे पे और बैच खत्म होते होते तुम खुद ही बोलोगे एफ आर ईजी है ठीक है तो टारगेट कितना रखेंगे सर बेर मिनिमम एकदम गिरी पड़ी हालत में हम टारगेट रखेंगे एट्टी एटी फाइव या नाइनटी अरे इफ यू एम फॉर द स्काई गिरेंगे तो भी ऊपर किधर गिरेंगे ना तुम अगर एम ही जमीन का रखोगे तो तुम स्काई में कैसे पहुंचोगे समझ रहे हो मेरी बात तो भाई अपने मन को जब आप बोलते हो ना कि मेरा टारगेट 80 एटी फाइव है तो आप

ठीक है ध्यान रखना तो हमारा टारगेट आज के बाद एट्टी एटी फाइव नाइन्टी सर आते भी है ऐसे रखने को बोल रहा आप क्यों नहीं आते हंड्रेड परसेंट आएंगे हंड्रेड परसेंट मेहनत करने वाले का आएगा मैं कह रहा हूं देखो बैच में सबका नहीं आएगा जो जैसे मैंने बोला वैसे फॉलो करेगा मेहनत करेगा डेफिनेटली उसका आएगा समझ रहे हो मेरी बात यस तो ये आज के बाद टारगेट रहेगा तो किसी ने पूछा ना आज का टारगेट कितना है चलो दूसरों को बोलने के लिए ऐसे नजर ना लगे इसलिए बोल देना सिक्सटी सिक्सटी फाइव बट वैसे अंदर ही अंदर मानना कि मेरे को एट्टी बेर मिनिमम चाहिए बेर मिनिमम आएगा क्या सर मैं पढ़ाऊंगा ना क्यों नहीं आएगा ठीक है ध्यान रखना चलो उसके बाद बुक्स एंड नोट्स की बात कर लेते बुक्स में आपको है ना पांच बुक्स मिलेगी दो क्वेश्चन बैंक दो कंसेप्ट बुक और एक एमसी बुक आपको या तो बुक मिल चुकी होगी अगर बाई चांस किताब नहीं मिली अब तक हार्ड कॉपी अब तक नहीं मिली है तो मैंने आपके गूगल ड्राइव पे इनिशियल फोर फाइव डेज के पीडीएफ अपलोड कर रखे तो इनिशियल फोर फाइव डेज रिवाइज करने के लिए वहां से रेफर कर लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है उसके अलावा नोट्स प्रिपरेशन जैसे एफआर है तो एफआर में अपने को लिख के प्रैक्टिस करना होता है तो प्लीज प्रिपेयर नोट नोटबुक आई होप आप से सिर्फ, सिर्फ नहीं रहेंगे, आज। आज किताब रहेंगे तो भाई साहब किताब में आपको लिखना है, जो, जो मैं के उपर, आपको लिखते चलना है। सर अपना पढ़ाने का अप्रोच कैसा रहेगा मतलब आप किस तरीके से पढ़ाओगे सर वैसे तो अप्रोच आपको तीन चार लेक्चर बाद कंफर्ट जोन में आ जाएगा बट एक बार अप्रोच बता देता हूं पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे

है ना इंसान का दिमाग भूल तो जाएगा ही तो रिटेंशन के लिए हम करेंगे मल्टीपल रिविजन क्लास में पढ़ते पढ़ते एक दो बार रिविजन करेंगे है ना फिर क्लास के एंड पे एक पूरा रिविजन करेंगे चैप्टर खत्म होने पर सेपरेट रिविजन रिकॉर्ड करेंगे वैसा तो रिटेंशन के लिए अपन रिविजन भी करेंगे देखो रिविजन इज द की मैं ऐसा मानता हूं एक बार पढ़ के सबका हो जाता है पास कौन होता तो है इसका मल्टीपल रिविजन हुआ रहता है ठीक है तो अपन रिटेंशन भी फोकस करेंगे दिस गोइंग टू बी वे ऑफ टीचिंग या अप्रोच ऑफ टीचिंग बट बटेंशन मतलब मजा आएगा आप लोग को इज दिस क्लियर दिसरी वन यस चलो आगे अब उसके बाद जैसे ऐसे मैं पढ़ाऊंगा ना वैसे मैं टेस्ट रखता हुआ चलूंगा ठीक है तो ऐसा समझ लो अपन मंडे टू सैटरडे जो पढ़ेंगे संडे उसका टेस्ट होगा अब टेस्ट में चैप्टर्स कौन से होंगे क्या होंगे वो मैं आपको बैच के दौरान बताता हुआ चलूंगा तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है उसके अलावा रिवीजन सेशंस भी अपन जैसे मैंने बताया क्लास के अंदर अपन रिवीजन करते हुए चलेंगे तो क्लास के अंदर भी रिवीजन करेंगे डे एंड पे क्लास खत्म होने पे भी मिनट्स का पूरे दिन में जो पढ़ा उसका रिविजन करेंगे।, करेंगे और मैं जो सेपरेट रिविजन है ना वो आपके यूट्यूब पर डालता हुआ चलूंगा ताकि आपके रिविजन पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो और आप जितने बार चाहो उतने बार रिवाइज कर सको ठीक है तो टेंशन मत लेना बहुत हेल्पफुल चीज होने वाली है आपके लिए उसके अलावा डाउट सॉल्विंग कैसे होगी सर जो लाइव वाला बच्चा वो तो लाइव पूछ लेगा सर हम तो रिकॉर्डेड देख रहे हैं हम डाउट कैसे पूछेंगे आपको तो है ना मैं डाउट के लिए आपको मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी शेयर करता हूं कहां शेयर किया है सर आपने आपको जो गूगल ड्राइव का लिंक रिसीव हुआ रहेगा ना उसमें मैंने आपको शेयर किया हुआ मेरा पर्सनल टेलीग्राम आई ठीक है आप मेरे से पर्सनली क्वेरीज पूछ सकते हो और जितने भी रेलिवेंट क्वेरीज है मैं सबको रिप्लाई करूंगा ठीक है आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई ऑफकोर्स एफ आर को लेकर क्वेरीज पूछना अपनी पर्सनल तनाई को लेकर कुछ मत पूछना उसके अंदर ठीक है तो जो भी रेलवेंट क्वेरीज रहेगी मैं आपको जवाब देने का कर ट्राई करूंगा पर्सनली इज दिस रिस्लेट एवरी वन गूगल ड्राइव के ऊपर एक फोल्डर है डाउट सॉल्विंग का वहां टेलीग्राम का लिंक है वहां से आप मुझे डाउट पूछ सकते हो ध्यान रखना no, one -one? मैं ऐसे गाना चालू कर देता हूँ भाई तुम बताओगे नहीं तो हाँ सर क्लियर है yes, yes, yes. Clear, सर, बहुत ही बढ़िया आगे बढ़े आगे बढ़ो सर <coughs> ये तो मैंने कुछ बेसिक चीज आपको बताई अब है ना पहले है ना मुझे आपसे प्रोमिस चाहिए आई स्टार्ट विद कंटेंट क्या प्रॉमिस ऐसे पिंकी प्रॉमिस करेंगे ठीक है पिंकी प्रॉमिस है ना ऐसे ऐसे हाथ रख के ऐसे ऐसे करके पिंकी प्रॉमिस करना सर क्या पिंकी प्रॉमिस करेंगे ये सारी चीजें मुझे आपसे एक्सपेक्टेड है ये आपको फुलफिल करनी है हमने क्या टारगेट रखा है ना टारगेट ये ये टारगेट अचीव कब होगा जब आप ये सारी चीजें फुलफिल करोगे ठीक है सबसे पहला क्या है आज एक है ना टास्क देता हूं आपको ठीक है जब क्लास खत्म होगी ना आज की अपने आपसे एक सवाल पूछना सीए क्यों करना है सवाल क्या पूछोगे सीए क्यों करना है सर ये जानना क्यों जरूरी है सबसे जरूरी ये जानना है जिसको भी ऐसा लगता है ना मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है मेरे से मेहनत होती नहीं है कंसिस्टेंटली है ना मुझे पढ़ने का मन किसको करता है यार है ना अपने को रिजल्ट तो चाहिए लेकिन मेहनत नहीं करनी उसके लिए तो ये सब तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी अगर आपका वाई क्लियर होगा तो सर ऐसा क्यों एग्जाम्पल दो जरा चलो आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ ठीक है सपोज 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 ये एक बिल्ड मैं एक एग्जाम्पल हर बैच में देता हूँ ठीक है ये बैच में आपको देता हूँ एग्जाम्पल वाला सपोज एक बिल्डिंग है इधर ठीक है अरे कैसी बिल्डिंग बन गई ये बिल्डिंग हो गई ठीक है, है ये बिल्डिंग का टेरिस है फोर्टी फ्लोर्स की बिल्डिंग ऐसा मान लो ठीक है ये बिल्डिंग का टेरिस है और यहां भी एक दूसरी बिल्डिंग है फोर्टी फ्लोर्स की और ये उसका टेरिस है अगर मैं एक दो इंच का पट्टा रख के सिर्फ दो या तीन इंच का एक पट्टा है ठीक है और पट्टा रख के आपको बोलू कि यहां से यहां तक चलना है विदाउट एनी इंसेंटिव तो चलोगे क्या आप यहां खड़े हो ठीक है आप यहां खड़े हो और मैं आपको बोलू चलना है आपको यहां से यहां तक चलना है बताओ चलोगे क्या आप बोलोगे सर माता खराब है क्या फ्लोर के ऊपर खड़े रहकर चलने का विदाउट इंसेंटिव क्यों चलूंगा मेरा दिमाग खराब थोड़ी ना है न अरे मैं गिर गिर गया तो जान चली जाएगी मेरी सर आ? तो आप सीधी सी बात आप क्यों बोलोगे क्यों चले सर हमारा दिमाग खराब थोड़ी ना है अरे सही बात है कि नहीं यस और नो यस सर लेकिन अगर मैं आपको कहूं अभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो मैं मानता ऐसा ना हो बट अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि ना आपको <coughs> शादी हो गई आपके ऐसा मान लो ठीक है शादी हो गई आपकी आपका एक दो तीन साल का बच्चा है जो इस बिल्डिंग में फंसा हुआ है छोटा सा बच्चा है उए, उए, उए करके रो रहा है और ये इस बिल्डिंग में लग चुकी है आग ठीक है इस बिल्डिंग में आग लग चुकी है बच्चे को बचाने का तरीका एक ही है नीचे से आप एंट्री कर सकते हो नहीं आपको चल के जाना पड़ेगा बच्चे को बचाना पड़ेगा अब बताओ अगर आपका खुद का तीन साल का बच्चा खुद का, वाली का, नहीं। खुद का तीन साल का 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 नहीं साल बच्चा फंसा हुआ है आग में, आग में अब आप क्यों रेडी हो गए अभी भी वही दो इंच का पट्टा है अभी भी खड़े हो अब क्यों चलने को रेडी हो गए क्योंकि तुम्हारा वाई क्लियर है तुम्हारे पास रीजन है यहां जाने का और बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है जाने का तुम तभी सोचोगे नहीं अपनी जान के बारे में तुम अपने बच्चे की जान के बारे में सोचोगे भाई क्यों अभी चलने को रेडी हो गए बिकॉज तुम्हारा वाई क्लियर था और वाई बहुत स्ट्रांग होना चाहिए तुम समझ रहे हो जैसे मुझे ना जब मैं सीए कर रहा था मुझे ना किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती थी उठने के लिए मेरा वाई बहुत क्लियर था जैसे आई वॉज फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली मुझे पता है मैं सीए नहीं बना तो मेरी फैमिली भूखी मरेगी मुझे मरना ही बनना ही पड़ेगा भाई सीए मेहनत करनी पड़ेगी तुम समझ रहे हो क्या तो तुम्हारा ऐसा वाई बड़ा क्लियर होना चाहिए सबका वाई अलग अलग होगा लेकिन आज जब क्लास खत्म होगी ना सवाल पूछना क्यों और वो वाई है ना जहां पढ़ते हो ना वहां स्टडी टेबल पर चिपका चिप के रखना ठीक है अपनी हर किताब के पहले पन्ने पर लिख के रखना जब भी पढ़ने का मन नहीं करेगा किताब खोलोगे ना याद आएगा तुमको कि इसलिए बनना है मुझे है। तुम समझ रहे हो क्या ध्यान रखना चलो ये चारू है डोंट वरी क्लियर है वाला पार्ट क्या यस ठीक है तो ये पहला क्लियर होना चाहिए भाई अरे समझा गया तुम लोग को ये सब चीजें बहुत जरूरी है भाई ध्यान रखना उसके अलावा ट्रस्ट मी तुमने अब मुझे चुन लिया है तु, तुम तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना पड़ेगा देखो कैसा होता है रिलेशनशिप हो या क्लासेस ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो जब मैं बोलूँ ना कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान देना तो ध्यान देना है जब मैं बोलू ना ये चैप्टर में इतना ही पार्ट रिलीवेंट है तो इतना ही पार्ट रिलीवेंट है जब मैं बोलू ना यह चैप्टर में बहुत में पढ़ना तो में पढ़ना है तो मैं जैसे वैसे भरोसा रखना मेरे ऊपर ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट द प्रोसेस आप अगर बार बार मेरे को क्वेश्चन करोगे ना कि सर आप जो बता रहे हो पक्का हम इससे पास हो जाएंगे ना सर आप जो बता रहे हो पक्का ये चलेगा नहीं।, तो नहीं रहा ना तो मजा नहीं आएगा यार फिर तो भरोसा जरूर रखना मेरे ऊपर ठीक है मैं जो बोलूं आपके भले के लिए करूंगा मेरे जिंदगी का आखिरी बैच नहीं है मेरे को टीचिंग फील्ड में लंबा रहना है तो मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा ध्यान रखना इस बात के ऊपर इज इस टू एवरी वन यस बोलते इमोशनल कर दिया सर आप तो अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम आगे जाओ आगे आ जाओ क्लियर है वाला पार्ट क्या उसके अलावा ये एफ है लिख के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है भाई मैं बा मैं ना बाबा नहीं हूं जो तुम प्रवचन सुन के बोलोगे वाह सर मोक्ष की प्राप्ति हो गई तुमको लिख के करना पड़ेगा जहां मैं बोलूँ लिखना है मतलब लिखना है एफ आर है ये तुम समझ रहे हो क्या और एफ आर के ऑडिट होता तो भी लिख के करना चाहिए तो राइटिंग प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट आलसपना मत करना सर आप जो लिखाओगे उसका प्रिंट आउट लेके बैठूंगा सर डेढ़ छाने मत बनना एग्जाम के अंदर प्रिंट आउट नहीं चिपकाने गए खुद लिखने गए ओरल टेस्ट नहीं एग्जाम रिटर्न टेस्ट है ध्यान रखना मुझे सब पता है सब प्रिंट लेके बैठेंगे हम हाँ थड़ी ना लिखेंगे ये सब लिखना बहुत जरूरी है भाई ध्यान रखना है है सब चीज़ें क्लियर वाला पार्ट उसके अलावा एक प्रंट लेना अभी अब ये प्रॉमिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्या प्रॉमिस है ऐसा ऐसा आगे आगे हाथ हाथ रखो रखो देखो रखना पड़ेगा रखना पड़ेगा नहीं रखा तो पांच मार्क कट एग्जाम में रखो आगे हाथ ऐसा बोलो मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लुट जाऊंगा क्या बोलेंगे सर मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लुट जाऊंगा लेकिन हर केस में डेली रिविजन करूंगा वापस से मर जाऊंगा लुट जाऊंगा लेकिन मैं, हर केस में करूंगा। इसका मतलब क्या है? मैं आपको रोज ढाई से तीन घंटा पढ़ाऊंगा करना है मतलब तुम्हारा काम है देखो काम तो नेवर एंडिंग है डेट तो आते रहेगी कभी जीएसटी की आएगी कभी टीडीएस की आएगी कभी इनकम टैक्स की आएगी कभी पीएफ की आएगी कभी की आएगी डेट बराबर क्या चलता रहेगा काम तो मैं मानता हूं तुमको अगर खाने को और सोने को टाइम मिलता है तो उसमें से तुम 25 मिनट तो निकाल सकते हो ट्रैवलिंग में कहीं भी निकालो तुमको डेली रिविजन करना है मतलब करना है ठीक है तुम हमने सीनियर से पूछना क्या पूछना एफ पहले पढ़ा था ना क्लास के साथ रिवाइज किया था क्या अगर वो बोले नहीं तो पूछना बाद में याद आया था बोलेगा नहीं याद आया था फिर अपने सीनियर से पूछना क्लास का रिवाइज किया था अगर कोई बोले हाँ

ध्यान yes. <coughs> रखना आगे पॉजिटिव माइंडसेट रहना बहुत जरूरी है भाई ठीक है अपने बारे में नेगेटिव मत सोचना मेरे से होगा नहीं होगा है ना कैसा होगा इतना बड़ा है डिफिकल्ट है मेरे बहुत सारे सीनियर से नहीं हुआ मेरे भाइयों बहनों से नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता भाई यू हैव टू कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट अगर तुम यहां तक पहुंचे हो सी ए फाइनल तक पहुंचे हो तो कैलिबर तुम में है अब खेल माइंडसेट का है आधे लोग एग्जाम में माइंडसेट की वजह से फेल हो जाते हैं

पास होने के लिए पॉजिटिव माइंड सेट तो रख लिया लेकिन उस पॉजिटिव माइंड तो में स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना क्या स्टेप मेंटेन रखना है यह तो तो सुनने में बड़ा आसान है सबसे मुश्किल डिसिप्लिन है सबसे मुश्किल यही सबसे मुश्किल है और यही रोड टू सक्सेस है डिसिप्लिन इज बोरिंग किसी को करने का मन नहीं करता है मुझे सुबह सात बजे उठ के आके पढ़ाने का मन नहीं करता है बट फिर भी कर रहा हूं तुम समझ रहे आउट ऑफ पैशन तो उसके लिए यह बहुत जरूरी है मोटिवेशन इंस्पिरेशन कोई जरूरी नहीं है मोटिवेशन इज टेम्पररी आज है कल नहीं है डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म चलता है भाई तो डिसिप्लिन करना पड़ेगा तुमको ठीक है मतलब जो भी टाइम सिलेक्ट करो उस समय पे तुमको पढ़ने बैठना है मतलब पढ़ने बैठना है इज दिस क्लियर चलो ठीक है तो हार्डवर्क का बात डिसिप्लिन का बात और ये दोनों चीज कंसिस्टेंसी करना है ऐसा नहीं कि एक दो दिन आए फिर ऐसा होता है ना वेलकम मूवी देखिए नाना पाटेकर बोलता है उसमें ए, ए, जाने देना सर ऐसा कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ना डेली अटेंड करना लेक्चर डेली रिवाइज करना जैसे मैंने बोला सेल्फ रिविजन ये रोज करना पड़ेगा भाई रोज तब जाके तुम पास हो गए और मैं बता रहा हूँ तुमने अगर अपने आप को ये डेढ़ दो साल दे दिया ना है ना सी के फाइनल के तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी भाई सच्ची बोल रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा आगे जाके मेहनत कम हो जाएगी मेहनत शायद करोगे लेकिन जो जिस पर्पज का तुम सी कर रहे हो ना जैसे तुम्हारे को पैसे का इशू रहेगा घर में मिडिल क्लास के रहोगे या जो भी है तुमको थोड़ा इज्जत चाहिए समाज के अंदर वो सब इशू सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे तुम समझ रहे हो क्या तो ये डेढ़ दो साल कर लोगे ना मजा आ जाएगा तुमको जिंदगी का सच्ची बोल लो ना स्ट्रगल करते रह जाओगे फिर ज़िंदगी भर अगर अभी हाफ एफर्ट मारोगे ना तो हाफ एफर्ट में पास तो होने वाले है नहीं तो इसमें स्ट्रगल करते रह जाएंगे मैं बोलता हूँ अपने आप को समय दो एक बार में निकलो करके कहानी खत्म

ऐसे प्री बैच डिस्कशन जैसा कुछ कर लिया थोड़ा सा जो मैं करना चाहता हूं ऐसा नहीं कि आके बस पढ़ाना शुरू कर दिया बेवकूफ हो वैसे वैसा नहीं करना है अपने को थोड़ा हल्का सा आपको एक गाइड देना गाइडेंस देना बहुत जरूरी है उसके बाद अपन चालू कर सकते हैं कंटेंट पहले मुझे यहां तक बता, यहां तक बताओ क्लियर रहेगा फटा फटाफट से लिखो यस अगर यस लिखने तो सिर्फ तो तो वाई लिख दो यस लिखना इतना बड़ा यस कौन लिखेगा सर तो वाई लिख दो सिर्फ ठीक है बताओ फटाफट से बोलो यस 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 सर चलो ठीक है तो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम आओ चलो अब तुमको लिखना शुरू करना अगर तुमने ऊपर वाली चीजें नहीं लिखी तो भी ओके अब यहां से आपको लिखना शुरू करना होता है थीके? सबसे पहली बात एफ का फुल फॉर्म फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ठीक है सिलेबस की बात कर लेते हैं और उसके बाद पेपर पैटर्न की बात करेंगे ठीक है अच्छा सिलेबस वैसे तुमको एकदम विस्तार में समझेगा नहीं बिकॉज आपने पढ़ावा नहीं ठीक है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एक रफ़ आइडिया देना चाहूंगा मैं आपको, कि क्या क्या है आपके में? अच्छा में, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपके पास टोटल है इंडेस एफ आर इंडेस 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 है 35 index. कितने इंडेस है थर्टी फाइव इंडेस है वैसे इंडेस दो तीन ज्यादा ही है बट वो दो तीन आपके सिलेबस में नहीं है तो जो आपके सिलेबस में नहीं है वो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं ठीक है तो आपके सिलेबस में थर्टी फाइव इंडिया है और उसके अलावा एक चार एक मेसेलेनियस टॉपिक्स है है ना ऐसा मान लो प्लस फोर मेसेलेनियस टॉपिक्स मतलब वो इंडिया नहीं है लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में पड़े ठीक है ये आपका सिलेबस हो गया अब थर्टी फाइव इंडियस को मैं नॉर्मली बांटता हूं दो पार्ट के अंदर ठीक है दो पार्ट के अंदर बांट देता हूं मैं एक में बांटता हूं बिग प्रैक्टिकल इंडिया मतलब बड़े बड़े इंडिया बिग प्रैक्टिकल इंडेस बिग प्रैक्टिकल मतलब <coughs> बड़े बड़े इंडेस प्रैक्टिकल मतलब मोस्टली सम सॉल्विंग वगैरह भी है बट ऑफ कोर्स जैसे ए एस आप पढ़ते थे ना आईपीसीसी वगैरह में सी इंटर में ए एस पढ़ा है तो आपको लगता रहेगा ए एस बड़े थियोरिटिकल है तो है ना कैसा होता है एस भले थियोरिकल हो गए जब एग्जाम में क्वेश्चन आता तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है ही आता है उसके अंदर से बराबर सिमिलर हाल इंडेस का है जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा बहुत सारी थियरी है बट थियरी नहीं एक्चुअली वो आपको कंसेप्ट कंसेप्ट थी बोलने का थियरी वैसे नेगेटिव वर्ड लगता है मेरे को बोलने का बहुत सारे कंसेप्ट है वो कंसेप्ट पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे तो वैसे ना कुछ चंद इंडेस है जो बहुत बड़े बड़े हैं ठीक है जिसको टाइम लगता है तो आप ऐसा मान लो आउट ऑफ थर्टी फाइव बड़े इंडेस में टोटल कितने इंडेस है ट्वेल्व इंडेस है ठीक है और बाकी बचते स्मॉल इंडेस, स्मॉल इंडेस, स्मॉल इंडेस में कितने बचेंगे अगर थर्टी फाइव में से ट्वेल्व यहां निकल गए तो मुन्ना कितना बचेगा वेरी गुड ये बचेगा ट्वेंटी थ्री लिखते हुए चलना मेरे साथ साथ में हीरो लोग ठीक है टेंशन मतलब वो धीरे धीरे तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्पीड वगैरह आ जाएगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है साथ साथ में लिखते हुए चलना मेरे 23 इंडेस इधर हो गए ठीक है अब मैंने ऐसा क्यों बांटा स्मॉल इंडेस बिग इंडेस में बिकॉज ये जो मैं बारह इंडेस का बात करूंगा ना एग्जाम में इसका वेटेज रफली फिफ्टी परसेंट होता है और इन स्मॉल इंडेस का वेटेज लगभग लगभग फिफ्टी परसेंट होता है फिफ्टी परसेंट वेटेज है तो इसलिए मैं पूरे सेक्शन को दो पार्ट में बांट देता हूं सर इसका मतलब ये हम एक ही पे फोकस करेंगे दूसरा छोड़ देंगे सर ऐसा मत करना फोकस दोनों पे करना है टारगेट फिफ्टी है कि टारगेट है 80 है ना यस बट फिर भी बाइफिकेशन देना जरूरी है मेरे लिए ताकि आपको एक थोड़ा सा फ्लो मिल जाए ठीक है ध्यान रखना चलो तो ये आपके हो गए ट्वेल्व इंडेजी थ्री इंडेस अब बिग प्रैक्टिकल जो इंडेस है ना उसके मैं आपको नाम लिखाता हूं आप फिलहाल बस लिखते हुए चलना मेरे साथ मैं आपको वैसे नाम समझेगा नहीं कुछ होगा नहीं बट पहले पेज पर पे लिखा हुआ तो बाद में जब पूरा पढ़ने के बाद रिविज़िट करोगे तो तो काम आएगा बेसिकली ठीक है है अब जब मैं इंडेस की बात करता तो है वैसे इंडेस। लेकिन ये ये चैप्टर चैप्टर नहीं बनेंगे <coughs> ही बनेंगे छह ही सर ऐसे कैसे बनेंगे मल्टीपल इंडेस इन्वॉल्व होते है example, मैं example देता फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है चैप्टर चैप्टर के अंदर बताऊंगा बट बत ये बड़ा है है ठीक है? तो इसके इंडेक्स तीन इंडेक्स यहां कवर हो जाएंगे इंडेक्स थर्टी टू इंडेक्स वन जीरो सेवन इंडेस वन जीरो नंबर वगैरह कैसे याद रहेंगे बीच में थर्टी टू आ गया फिर वन जीरो आ गया, 109 आ गया. अरे मैं हूं ना टेंशन मत लो यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर द नंबर तो पहला आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसमें तीन इंडेक्स कवर हो जाते हैं ठीक है सेकेंड क्या रहेगा आपके लिए सेकेंड चैप्टर आपके लिए बिजनेस कॉम्बिनेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन ये बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है सर आपने अपने सीए इंटर में अमाल सुना है अमाल सुना अमाल बस उसका बड़ा भाई बिजनेस कॉम्बिनेशन है ना

कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटर में था तुम लोगो ऑप्शन में छोड़ा था सर है था कि नहीं बताओ करा था कि नहीं करा था तुमने ये चैप्टर कि छोड़ दिया था अरे तो, छेड़ा सर तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है अब इसमें टोटल पांच इंडेक्स कवर होते हैं पांच पांच ये चैप्टर चैप्टर है जैसे एस में भी था ना, एक था, थे, 21, 23, 27 था ना लेकिन तीन थे लिख लो इंडेस ट्वेंटी सेवन इंडेस वन वन जीरो इंडेस ट्रिपल वन इंडेक्स वन वन टू और इंडेक्स 28 पांच इंडेस. अगेन आई रिपीट इंडेक्स 27 110 111 112 और 28 ठीक है पूजा कहते करा था इंटर में एएस 20 अरे एएस 20 दूसरा है एएस 20 आपका ईपीएस होता था बताओ बता कॉन्फिडेंस से बता रहे किया था नाम भी गलत बता रहे नंबर भी गलत बता रहे बताओ यार तुम ऑप्शन में था दे क्या वेरी गुड चलो कोई बात नहीं अभी मैं करा दूंगा टेंशन मत लो तुम लोग ठीक है तो तीन टॉपिक आपको लिखा दिए नंबर भी आपने लिख लिए ठीक है उसके अलावा और क्या है सर एक है आपके लिए शेयर बेस्ड पेमेंट लिखो शेयर बेस्ड पेमेंट सर ये शेयर बेस्ड पेमेंट मतलब आपका फेवरेट चैप्टर सी एंटर का आपको याद है ईसॉप एम्प्लॉई ऑप्शन प्लान उसका बड़ा भाई शेयर बेस्ड पेमेंट है ना चलो इसके लिए इंडेक्स का नंबर क्या है इंडेक्स वन जीरो टू ये नंबर है इंडेक्स का क्या नंबर है वन जीरो टू लिखा यस उसके बाद फिफ्थ इंडेस वन वन फाइव इंडेक्स वन वन फाइव शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम लिख दो रेवेन्यू जैसा आपको था ना ए एस नाइन रेवेन्यू रिकॉग्निशन वैसा वन वन फाइव और एक है इंडेस वन वन सिक्स इसका नाम लिख दो लीजेस क्या नाम लिखोगे लीजेस ठीक है अब आप अगर ध्यान से टोटल करोगे ना टोटल तो टॉपिक छ है टॉपिक छ है लेकिन इंडेस बारह कवर हो गए ऐसे कैसे देख लो गिन लोग फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में तीन है एक दो तीन फिर यहां फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लेवन भले ही भे चैप्टर है बारह इंडे कवर हो गए तो मैं बोलने को बारह इंडे बोला बड़े बड़े बट है वो छे क्योंकि एक चैप्टर के अंदर मल्टीपल भी कवर हो जाते हैं तुमको समझा अब जब मैं ये लिखा रहा था ना मेरा एक और मोटिव था तुमने नोटिस किया नंबरिंग क्या स्प्रेड अक्रॉस्ट है कभी सिंगल डिजिट चल रहा है मतलब कभी डबल डिजिट चल रहा है थर्टी कभी ट्रिपल डिजिट वन है ना कभी ट्वेंटी सेवन है कभी वन वन जीरो ट्वेंटी एट है ऐसा नंबरिंग कुछ भी चल रहा है तो सर ये नंबर नाम कैसे याद रहेंगे आज तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे को जब मैं एफ आर कंप्लीट कराऊंगा ना मेरी गारंटी है लास्ट डे ऑफ द बैच पे आपको नाम नंबर सब याद रहेगा समझ लो रहे तुम तो आज इसको याद करने का स्ट्रेस मत लेना ना भी नहीं करना उसको याद क्लियर है वाला पार्ट ध्यान रखना ठीक है तो ये छह चैप्टर हो गए आपके दिस कंप्राइज ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑफ एर एग्जाम वेटेज अप्रोक्सीमेटली ठीक है बाकी फिफ्टी परसेंट आएगा ट्वेंटी थ्री स्मॉल इंडेस से अब मैं वो ट्वेंटी थ्री इंडियाज का नाम नहीं लिखाता बैठूंगा वो आपको समझ जाएगा ठीक है बट बड़ मुझे बड़े के नाम लिखा दिया ना तो काफी होगा मेरे लिए इतना ठीक है तो बाकी 23 इंडेस का 50% वेटेज स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स है उसके अलावा मैंने क्या बोला 35 इंडेस के अलावा देर आर फोर मिसलेनियस टॉपिक्स आल्सो ना तो वो चार टॉपिक कौन से सर लिखा लिखाओ जरा हमको तो इधर बनाओ गया बॉक्स एक ठीक है वो चार टॉपिक क्या है उसकी बात करता हूं मिसलेनियस टॉपिक्स मिसलेनियस टॉपिक्स ठीक है क्या-क्या टॉपिक है सबसे पहला है एनालिसिस एनालिसिस ऑफ़ ऑफ़ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स। सर इस टॉपिक इस में क्या होता है ऐसा समझ लो इसके अंदर आएंगे मिक्स ऑफ ऑल इंडिया आप एक बार सारे टॉपिक पढ़ लोगे ना तो इसके अंदर केस स्टडीज है सब इंडिया की मिक्स उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है मतलब आप जब सारे

जब आप ऑडिट में पढ़ोगे उसके बाद एक इंटरलिंकड टॉपिक आता है एफ के अंदर वो समझेगा नहीं अभी बस लिख के रख लो टॉपिक है थियोरी टॉपिक है एथिक्स करके उसके अलावा है टेक्नोलॉजी सर इसमें क्या है अरे कुछ नहीं वो बोलता है कि एक बार तुम अकाउंटिंग सीख गए तो आप थोड़ी ना किताब लेकर बनाते बैठोगे अकाउंट्स हम तो चैट जीपीटी के जमाने में रह रहे हैं तो तुम टेक्नोलॉजी को यूज करके अकाउंटिंग कैसे कर सकते हो तो वो सिखाएगा तुमको ऐसे सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है फालतू <laughs> मजा नहीं आएगा पढ़ने में बट ठीक है मैं मजा दिला, दिला अलावा तो एक और है, सर इसमें क्या होता है और एकदम बेसिक टॉपिक है वो उसमें पता क्या सिखाता है फ्रेमवर्क के अंदर वो तुमको बताएगा अक्रूवल फॉलो करना चाहिए है ना वो अपने को Uh, और क्या बोलते थे अपन उसको प्रूडेंस uh, रखना चाहिए है ना ऐसा बोलते हैं ना कंजर्वेटिज्म होना चाहिए ये सब ये सब ये सब फ्रेमवर्क बातें करता है सर ये सब भी है इतना भी शिक्षा है भे? ये सब भी है ठीक है तो फ्रेमवर्क चैप्टर करके है तो ये आपके चार टॉपिक हो गए अच्छा इसके अलावा एक और टॉपिक है वैसे उसको मैं वैसे टॉपिक्स में नहीं गिनता बट वो कवर हो जाता है चलो फाइव टॉपिक्स कर लेते हैं इसको अपन फिफ्थ भी लिखी देता हूँ मैं इधर फिफ्थ है डिफरेंस बिटवीन अब आप बोलोगे सर हम जो ए एस पढ़े वो भूल सकते हैं ना क्या सुनो डिफरेंस बिटवीन इंडेस वर्सेस ए एस है? क्या बात कर रहे हो सर हमको डिफरेंस पता होना चाहिए हाँ मालूम होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन ए एस इंडेस वर्सेज ए एस सर इतने सारे ए एस थे अब वो सारे पढ़ाओगे क्या वापस एक खुशखबरी दू खुशखबरी दू तुमको सब इंडेस वर्सेज ए एस के डिफरेंस नहीं जानने हैं सिर्फ तीन टॉपिक है जिसका तुमको मालूम होना चाहिए एज ऑफ नाउ तुम्हारे सिलेबस में तीन ही है एक है इंडेस वन वन फाइव

सिर्फ तीन इंडियस के जानने जानस बिटवी एस और इंडियस वो भी मैं सिखा दूंगा टेंशन मत तुमको ए एस नहीं आता है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है मैं मान के चला तुमको वैसे भी ए एस नहीं आता है ठीक है तो अपन कर लेंगे यहां सब क्लियर है क्या वाला पार्ट यस सर तो ये मोटा मोटी आपका सिलेबस हो गया ठीक है लिख लिया सबने मेरे साथ साथ में बैठ बैठ के यस अरे क्लियर है क्या लोग हाँ चलो अब है ना ये एफआर का सिलेबस था

फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों बोला अपन ने कोई इसका रीजन दे सकता है क्या मुझे यू कैन टेक 10 सेकंड्स एंड देन लेट मी नो व्हाई द नेम इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड व्हाई नॉट अकाउंट्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट का नाम का मतलब तो मालूम हो सर है ना बताओ चलो बताओ बताओ सोच के बताओ

जब आप जब तक आप इंटर में थे ना तब तक रियल में आप फाइनेंशियल बनाना सीख रहे थे ठीक है देखो सीखोगे आप थोड़ा बहुत यहां भी बट इंटर में अपना फोकस था लेजर कैसे 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 बनेगा एंट्रीज पास होगी बनेंगे दैट वॉज आर फोकस इन इंटर ठीक है जब आप फाइनल में आते हो ना तो मेन फोकस नॉट ऑन अकाउंटिंग इट इज ऑन रिपोर्टिंग जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल अकाउंट सारे बना लिए अब आपको फाइनल में चेक करना है कि आर दे कंप्लाइड विद इन

इंटर का पूरा सिलेबस अभी ए ही हो गया बट एनीस इंटर छोड़ अपने करना इंटर से एनी वेज तुमको समझा थोड़ा बहुत आइडिया आई द नेम फिनेशियल रिपोर्टिंग वैसे आपने सबने गेस तो कर लिया था गुड जॉब ताली बजा आपने ले वेरी गुड ठीक है क्लियर क्लियर सर अब उसके अलावा पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं एफ आर कितने मार्क्स का आता है सर एग्जाम में कितने मार्क का पेपर है एफ आर तो अगर आपने बोला सौ मार्क का तो बोलने का ना मुन्ना ना सौ मार्क का पेपर नहीं आता है पेपर आता है एक सौ सोलह से एक सौ बीस मार्क का क्योंकि देर आर सम इंटरनल ऑप्शन ऑल्सो ना इत से यही करो चार में से पांच करो सॉरी पांच में से चार करो चार में से पांच कैसे करेगा भाई ठीक है ऐसा तो देर इज इंटरनल चॉइस ऑल्सो मिला के एक सौ बीस मार्क का पेपर होता है ठीक है अफकोर्स एक सौ सोलह एक सौ बीस मार्क में से आपको कितने मार्क का अटैप्ट करना है सौ मार्क का अटैम्प करना होता है ठीक है अब इसमें कैसा स्प्रेड है ये भी सीख लो आप सेवेंटी मार्क्स सेवेंटी परसेंट पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा मतलब बकायदा आपको क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह करनी पड़ेगी और जो थर्टी परसेंट पेपर है थर्टी परसेंट दट इज केस स्टडी बेस्ड एमसी मतलब आपको एक केस स्टडी दिया रहेगा उसके ऊपर मल्टीपल एमसीक्यूज पूछे देंगे वैसा तो मैं एमसीक्यू लिखता ना सीधा केस स्टडी बेस्ट स्टडी क्या एमसीक्यूज थर्टी परसेंट आर एमसी मैं बताऊं विद विमसी कमिंग इनटू पिक्चर देयर आर टू वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस थर्टी परसेंट एमसीक्यू मतलब थर्टी परसेंट में आप फुल स्कोर कर सकते हो थर्टी और थर्टी निकाल सकते हो फर्स्ट वे ऑफ थिंकिंग सेकंड वे ऑफ थिंकिंग डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है अगर आंसर नहीं भी आता है तो तुक्का बिक्का मार के आते हैं आधा एक मार्क तो देता है वो यहाँ शगुन का मार्क्स नहीं मिलेगा इट इज आइदर ब्लैक और व्हाइट या तो राइट या तो रॉन्ग बीच का ग्रे एरिया नहीं है यहां कैसे अपन थोड़ा बहुत उठा लेते हैं फायदा तो एमसीक्यूज का थोड़ा बहुत प्रोज भी है थोड़ा बहुत कॉन्स भी है लेकिन पढ़ने वाले इंसान के लिए बहुत बड़ा प्रो है ये पढ़ने वाले के लिए देखो नहीं, नहीं पढ़ने वाला भी बोलेगा सर अच्छा नेगेटिव मार्किंग है क्या इज नो नेगेटिव मार्किंग नो नेगेटिव नो नेगेटिव मार्किंग तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना आपके इसमें तब तो बोलेगा तुक्का मारो जर नहीं आता तो भी मार्क्स तो मिल सकता है लेकिन मैं बोलूँ पढ़ने वाले के लिए बहुत अच्छा चीज़ है ये ध्यान रखना ठीक है तो ये कंपलसरी होता है ऊपर से एमसी के एनी वेज अपन बैच में सब कुछ कवर करेंगे टेंशन मत लेना बट जस्ट आपको मालूम होना चाहिए ऐसा हर पेपर में सी एफ आर का जितने पेपर है सब ऐसा ही है सेवेंटी परसेंट डिस्काउंट थर्टी परसेंट एमसीक्यूज क्लियर वाला पार्ट इतना जानना काफी है आपके लिए बाकी सब चीज अपन बाद में देखते हुए चलेंगे क्लियर है कह रहे लोग क्या तुमको एफ आर का सिलेबस थोड़ा बहुत समझ में आया मैं वापस बता दूं बिग इंडियस स्मॉल इंडियस बिग इंडेस का नाम मैंने बताया स्मॉल इंडेक्स का नाम मैंने बताया नहीं है सिर्फ मालूम कर लो स्मॉल इंडेक्स होते हैं उसमें पचास परसेंट बेटे जाती है और ये स्मॉल इंडेक्स के अलावा और कुछ टॉपिक्स भी है जो अपने को पढ़ने अलग से ठीक है तो वैसा आपको दिखने में लगेगा सिलेबस बड़ा है छोटा है टेंशन मत लो ईजी है इट इज ईजी एफ आर इज ईजी क्लियर है वाला पार्ट फटाफट से बोलो यस सर बोलो यस सर अरे बोलो यस सर नो यस सर चलो बड़ा इजी है रे मैं बताता तो हूँ ना तुमको बहुत इजी है मजा आएगा तुमको मजा आएगा एकदम पढ़ने में तुम बोलोगे एफ आर ही -E पढ़ते है सर चलो ठीक है क्लियर तो ये मैंने आपसे ना थोड़ी प्री बैच डिस्कशन कर ली मैंने आपसे थोड़ी सिलेबस की बातें कर ली प्यार मोहब्बत से घाई नहीं करनी है पहला दिन है भाई पहला दिन घाई के कहा जाने वाले हो तुम ठीक है अब अपन फाइनली एक चैप्टर शुरू करते हैं ठीक है सर चैप्टर कौन सा है इंट्रोडक्शन टू इंडेस ये अपना चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंडेस अपन अभी चैप्टर शुरू करेंगे तो चलो एक नया पेज निकालो और टॉपिक का नाम दे दो ठीक है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू इंडेस हमारा टारगेट लेके चलेंगे हम हमारा टारगेट है हम कोशिश करेंगे टॉपिक हम आज ही कंप्लीट कर ठीक है ये हमारा टारगेट है तो हमको अच्छा लगेगा ना एक टॉपिक ही हो गया सर एग्जाम में आता है क्या हर एग्जाम में नहीं आएगा बट चार मार्क का आ सकता है ऐसा तो नहीं किसी पढ़ा रहा है इंट्रोडक्शन टू इंडिया टॉपिक इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे विस्तार में समझा दो तो टेंशन मत लेना सबसे पहले इंडेस का फुल फॉर्म क्या है किसी को पता है क्या इंडेस का फुल फॉर्म पता है तो बताओ चैटबॉक्स के अंदर बताओ देखो तुमको वैसे आदत हो जाएगी या? मतलब आ, डिस्कस करते करते टाइप करने की धीरे धीरे आदत होगी अभी तुम फ्लो में नहीं हो स्पीड में नहीं हो तो थोड़ा सा लगेगा तुमको कि मैं लिखू भी टाइप भी करूँ वो धीरे धीरे आदत हो जाएगी टेंशन मतलब ठीक है तो इंडेक्स का फुल फॉर्म इज वेरी गुड आंसर इट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अरे तो सर तो एएस क्या है एएस आर ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो सर एएस जो है वो क्या इंडिया के स्टैंडर्ड्स नहीं है क्या उसको क्यों नहीं बोलते अपन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फर्क समझाता हूँ दिक्कत क्या हो रही थी ये इंडेक्स आया क्यों पिक्चर में इसको लाने की जरूरत क्या पड़ी अपने पास अच्छा खासा चल रहा था ना ए एस है ना तो क्यों लाए इसको है ना और सर इंडेक्स के आने से क्या ए एस क्रैप हो गया क्या नहीं नहीं, नहीं 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 अभी अपने इंडिया में दो टाइप के स्टैंडर्ड चलते हैं एक है ए एस और एक है इंडेस ठीक है तो जो छोटी छोटी कंपनीज है ए एस लगाएगा और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वो इंडेक्स लगाएगा अब कौन सी कंपनी छोटी है कंपनी बड़ी इंडेक्स कब से एप्लीकेबल है और किसको एप्लीकेबल है तो सर जिसको इंडेस एप्लीकेबल हो गया वो तो इंडेस लगाएगा लेकिन जिसको इंडेस एप्लीकेबल नहीं हुआ फिर वो क्या लगाएगा सर तो बुद्धि लगा के बताओ वेरी गुड जिसको इंडेस एप्लीकेबल नहीं हुआ वो लगाएगा एस तो इसलिए वो भी चल रहा है ठीक चल है थीके? चलो दो तरफा प्यार एनी है इंडियन अकाउंटिंग इंडेस की जरूरत ही क्यों पड़ी की जरूरत ही क्यों पड़ी चलो मैं आपको ना थोड़ा बैकग्राउंड देने का ट्राई करता हूं वाई इंडिया आपको पता है क्या आजकल ये बड़ा बोलते हैं कि वी नीड टू ग्रो ग्लोबल है ना ग्लोबलाइजेशन करना है भारत से हमको एक्सपांड करना है ये वो सब बोलते हैं ठीक है अब सपोज मैं आकाश कंदोई मेरी बड़ी कंपनी है ए के लिमिटेड ठीक है मेरी कंपनी है ए के लिमिटेड काफी फैला हुआ बिजनेस है ठीक है तो ये रही मेरी बैलेंस शीट अपन बैलेंस शीट में कैसे लिखते थे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखते थे है ना शेयर होल्डर्स फंड वगैरह लिखते थे और उसका असट लिखते थे बराबर तो ये नहीं मेरी बैलेंस शीट जो मैंने बनाई है एज पर ए एस बराबर एज पर ए एस मैंने अपनी बैलेंस शीट बनाई है अब बैलेंस शीट लेकर मैं गया भार्गाव भार्गा मतलब इंटरनेशनल और मैंने बोला ये देखो इतनी बड़ी कंपनी आकाश कंदोई का ये क्या रहा बैलेंस शीट ये रहा बैलेंस शीट इतने बड़ी कंपनी का लाओ लोन दो लाओ पैसा दो तुम मुझे बताओ मेरी भारत की बैलेंस शीट देखकर क्या उसको कुछ समझ में आने वाला है क्या अरे उसके लिए तो ये अब्बा डब्बा जब्बा है उसको पता ही नहीं कि एएस में इंटरप्रिटेशन क्या है

क्या फॉलो कर रहे आई एफ आर एस सर आई एफ आर एस का फुल फॉर्म लिख लो इधर किधर लिख लो आई एफ आर एस का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आई एफ आर एस ठीक है ग्लोबली सब लोग आईएफआरएस फॉलो कर रहे हैं तो अब अगर अपने को भी ग्लोबल जाने का है बोलते ना गो ग्लोबल तो अपने को भी ग्लोबल जाने का है तो अपने को भी यही फॉलो करना पड़ेगा ना अपनी बैलेंस शीट भी अगर इसी फॉर्मेट में रही तो वो यूएस वाले को समझ में आएगा ना बैलेंस शीट अपना समझ में आएगा नहीं आएगा आएगा सर बराबर क्या <coughs> अरे इज दिस क्लियर क्या ठीक है तो ये बैलेंस शीट उनको समझ में आए तो हमको आई एफ आर एस के सब, सब कुछ बनाना पड़ेगा अब अपने पास दो रास्ते हैं या तो तुम आई एफ आर एस को एज इट इज अडॉप्ट कर लो तुम बोलो हमको गोद ले ने ठीक है या फिर तुम बोलोगे नहीं 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 तुम आई को बेस लो और खुद के स्टैंडर्ड्स बनाओ दो तरीके क्या या या तो कर लो या फिर को बेस मानकर खुद के स्टैंडर्ड्स बनाओ सर मैं खुद के क्यों बनाऊं क्योंकि कभी कभी क्या होता है आई एफ के स्टैंडर्ड्स अपनी इकोनॉमी के हिसाब से सूटेबल नहीं होते थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं है ना तो हमने क्या किया हमने बोला आईएफआरएस हम एडॉप्ट नहीं करेंगे हम आईएफआरएस को बेस मान के अपने स्टैंडर्ड्स बनाएंगे जिसको प्यार से बोलते हैं आईएफआरएस कन्वर्ज्ड क्या बोलते हैं आईएफआरएस कन्वर्ज्ड कन्वर्ज्ड मतलब हमने आईएफआरएस को बेस मानकर खुद के स्टैंडर्ड्स बनाए उसको बोलते हैं आईएफआरएस कन्वर्ज्ड इज दिस क्लियर टू एवरीवन यस अरे यस और नो यस yes. अब कन्वर्जड हमने किया है हमने एज़ इट इज़ अडॉप्ट तो नहीं किया है हमने कन्वर्ज किया है तो मुझे एक बात बताओ क्या इंडेस और आईएफआरएस में थोड़े बहुत फर्क होंगे हाँ तो मैं ऐसा कहता हूं नॉर्मली कि अगर आप इंडेस और आईएफआरएस को देखोगे ना तो इंडेस आईएफआरएस आर 95% सेम 95% सेम है इंडेस आईएफआरएस तो अब मुझे बताओ अगर मेरी बड़ी बड़ी कंपनी इंडेस फॉलो करेगी तो लगभग लगभग मैंने आई एफ आर एस फॉलो कर लिया ना और अगर मैंने आई एफ आर एस फॉलो कर लिया तो ग्लोबल कंपनीज को भी ग्लोबल कंट्रीज को भी मेरी बैलेंस शीट समझ में आएगी नहीं आएगी अरे बोलो समझ में आएगी नहीं आएगी हंड्रेड परसेंट समझ में आएगी तुम समझ रहे हो क्या तो नाइनटी फाइव परसेंट हमने क्या रखा चीजें सेम रखी फाइव परसेंट हमने चीजें हमारी इकोनॉमी के हिसाब से चेंज कर दी फाइव परसेंट चीजें इज दिस इज एवरी वन ठीक है अरे यस और नो यस सर अब ये जो फाइव परसेंट चेंज किया ना फाइव परसेंट फाइव परसेंट आर डिफरेंट तो इस डिफरेंस को पता है क्या बोलते हैं मतलब अगर मैं आपसे पूछूं क्या इनडेस और आई एफ आर में कोई डिफरेंसेस है है सर फाइव परसेंट चीजें डिफरेंट है इस डिफरेंसेस को पता है क्या बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन इनडेस एंड आई एफ आर एस इस डिफरेंस को प्यार से दो नाम देते हैं कार्व इंस एंड कार्व आउट्स क्या बोलते हैं इसको कार्व इंस एंड कार्व आउट्स वापस से इंडिया आई एफ आर एस में नाइन्टी फाइव परसेंट चीजें सेम है सेम है तो वेरी गुड जो चीजें डिफरेंट है उसको बोलते हैं कारविन कार्व आउट सर पढ़ना है क्या हमको ये ये आपके सिलेबस में नहीं है यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया यस यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो वॉट इज कार्विजन कार्व आउट नहीं जानना है देखो मैं डिस्कशन करने को कर लू बट एफ के सिलेबस में वैसे ही बहुत कुछ है बात करने को तो जो आपके सिलेबस में नहीं उसको पढ़ के थोड़ा तो टाइम खोटी करेंगे अपन तो इसका डिस्कशन आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको मेरे को लगता है थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना चाहिए था ना कि ऐसे डिफरेंस को हम कार्विन कार्वाट बोलते हैं अरे यस और नो ध्यान रखना क्लियर वाला पार्ट क्या बस इतना आपको जानना है अरे बोलो यस और नो यस ठीक है क्लियर क्लियर है सर ये लिख लिया पर ने सब यहां तक लिख लिया ठीक है अब आपको मैं थोड़ा सा नंबरिंग सिस्टम समझाऊ नंबरिंग सिस्टम सर नंबरिंग सिस्टम मतलब ये देखो आपको ये ना मैं एफ का इंडेक्स दिखाता हूं ये देखो ये एफ का इंडेक्स है आपके ठीक है आपकी किताब की पहली वॉल्यूम का इंडेक्स है ये आप इंडेक्स की नंबरिंग देखो इंडेक्स वन इंडेस टू फिर सीधा है है फिर एट है। फिर नाइन नहीं है सीधा सीधा है फिर नहीं सीधा है। और ऐसा नंबरिंग है गैप रख रक रख के फिर बीच में ना समझ ही नहीं आया कभी वन चल रहा है, कभी 101 चल रहा है।, है ना? देखो ना वन जीरो कैसा नंबरिंग है तो थोड़ा आपको नंबरिंग समझाता हूँ ठीक है कि नंबरिंग कहां से आया इधर आ जाओ इधर आ जाओ नंबरिंग के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है इसको छोड़ देना अभी ठीक है इसको छोड़ देना अभी। अब है ना मैं नीचे लिख रहा हूं कुछ सबसे पहले जो आई एफ आर एस होता है ना आई हमने कोशिश की है कि जो आई एफ आर एस की नंबरिंग है हम थोड़ी बहुत वैसी नंबरिंग फॉलो करें ठीक है तो एक्चुअली आई एफ आर एस में अभी दो सीक्वेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं IFRS में अभी क्या चल रहे दो सीक्वेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स आई इंक्लूड्स आई आल्सो एंड आई इंक्लूड्स आर आल्सो सर ये ये क्या समझ नहीं आई हमको आर एस भले नाम है आई ब्रांड में दो कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं एक चल रहे आई और एक चल रहे आई एफ आर एस सर ये आई एस क्या इसका फुल फॉर्म बताओ सर आई एस का मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखो इधर आई एस का मतलब होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो कैसा है पहले तो इसका नाम आईएस ही था वो बाद में जाके इसको नाम आई किया ठीक है तो सर अभी कितने सारे नाम हो गए अरे तीन नाम हुए एक है एस जिसको बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक है आई एफ आर एस जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड जब मैं आई एफ आर एस बोलू तो दे ऑल्सो इंक्लूड आई एस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ठीक है तो इसमें आईएएस भी आता है और आई एफ आर एस भी आता है अब ये दो दो कैटेगरी क्यों चल रही है ये भी समझाने का ट्राई करता हूं जब भी मैं, मैं कोई चीज समझाऊ ना बस थोड़ा सा पेशेंटली सुनते हुए चलना कैसा है मेरे जस्ट नाम लेते हैं आपको चीज समझ में नहीं आएगी थोड़ा फाई से मिनट्स ध्यान दोगे तो कंसेप्ट है चलो वैसे आप सब लोग पेशेंटली सुन लो मेरे को अच्छा लग रहा है वेरी गुड तो अब आईएएस और आईएफआरएस दोनों चल रहा है तो पहले पता है क्या था पहले सिर्फ आई हुआ करते थे ठीक है तो है ना सपोज ऐसा चल रहा था आई एस वन आई आई एस थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे आई एस चल रहे थे ठीक है और ये आई ए एस है नाइनटीन नाइनटीज़ के स्टैंडर्ड्स है ठीक है तो ऑफ़कोर्स वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी होता है वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है तो हुआ क्या ये आई ए एस वाले ब्रांडों ने अपने स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करना शुरू किया और देखा कि किस किस स्टैंडर्ड में बदलाव की ज़रूरत है तो सपोज इन्होंने पहले देखा आई ए एस वन को तो बोला ये तो सही चल रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये एकदम प्रॉपरली ड्राफ्टेड है आज के हिसाब से भी फिर देखा आई एस टू को बोला ये भी सही चल रहा है ये पहले के हिसाब से बोलो आज के हिसाब से बोलो बात तो एक ही है कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर फिर इन्होंने देखा आई एस थ्री ये बोले नहीं नहीं यार ये थ्री तो बड़ा आदम बाबा के जमाने का कंसेप्ट लग रहा है इसको हमको रिवोक करके नया इशू करना पड़ेगा इसको हमको रिवोक करके नया इशू करना पड़ेगा तो जब इन्होंने आई ए एस ब्रांड नेम में रिवोक करना शुरू किया ना

फिर सेवन को रिव्यू किया बोला सेवन सही चल रहा है सेवन में कोई दिक्कत नहीं है तो इनको वन टू सेवन सही लगे बीच के सारे रिव्यू किया और नया नया इशू कर दिया तो जब नया इशू किया तो आई एफ आर एस के ब्रांड नेम में इशू किया क्या तुमको ये बात पल्ले पड़ती है कि दो कैटेगरी ऑफ सीक्वेंस क्यों चल रहे आई एस बी क्यों चल रहे आई एफ आर एस कहा से पिक्चर में आए क्या तुमको ये बात समझ पड़ती है फटाफट से बताओ येस और नो तो ही मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि मैं आपको समझाने आया आयो आपको समझेगा उसके बाद में आगे बढ़ूंगा क्लियर है क्या वो हीरो मेरे ठीक है सर ये हमको बात समझ में आ गई सर ठीक है एकदम समझ में आ गया सर ठीक है तो अब दो ब्रांड आई एस भी चल चल रहा रहा है है और IFRS भी ठीक ठाक लग रहे थे उसको रखा जो खराब लग रहे थे उसको रिवो किया और आई एफ आर एस में इशू किया अब हमको जब आई एफ आर एस से कॉपी करके छाप के इंडेस बनाना था जब हमको आई एफ आर एस से कॉपी पेस्ट तो किया और क्या किया हमने यहां से छाप के इंडेस बनाना था तो अब नंबरिंग कैसे तरीका निकालते कि भाई बचाए कैसे वैसे इन्होंने दिमाग लगाया इंडियंस दिमाग तो होता ही ना इंडियन में इन्होंने बोला देखो जो भी आई वाले स्टैंडर्ड्स है ना अगर वो आई ए वन है तो हम उसको कहेंगे वन। अगर वो आई एस टू है तो हम उसको कहेंगे इंडेस टू अगर वो आई एस सेवन है तो हम कहेंगे इंडेस सेवन मतलब जब इन्होंने आई ए एस ब्रांड को इंडेस में कॉपी किया तो उसको नाम दिया इंडेस वन इंडेस टू इंडेस थ्री ऐसा ठीक है ठीक है उसके बाद जब इन्होंने आई को भी कॉपी करना था इंडेस में तो जब इन्होंने आई एफ को देखा तो अब अगर आई एफ को भी अगर आप इंडेस इंड बोल दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना भाई कि इंडेस तो जब है आई एफ इन्होंने एस वन को कॉपी करके नंबरिंग करी तो तुम गैस करोगे उन्होंने क्या नंबरिंग करी आई एफ की वेरी गुड तो उन्होंने आई एफ को जब छापा जब कॉपी किया आई एफ को तो उन्होंने हंड्रेड के सीरीज में शुरू किया ठीक है तो उन्होंने बोला जो आई एफ आर एस वन है वो बनेगा इंडेस वन जीरो वन जो आई एफ आर एस टू है वो बनेगा इंडेस वन जीरो आई एफ आर एस थ्री है वो बनेगा इंडेस वन जीरो तो बेसिकली आई एफ आर एस की सीक्वेंस को हमने हंड्रेड में शुरू किया आई एफ आर एस की सीक्वेंस को हंड्रेड में शुरू वेरी गुड आंसर प्रियांशु यीशु साक्षी लिपिका कोमल हर्षित वेरी गुड आंसर वेरी गुड वेरी गुड श्रद्धा वेरी गुड तुमको समझ में आया ना कैसा चल रहा है दिमाग तो लगाया देखो कुछ मानो ना दिमाग तो लगाया इन्होंने है ना यस तो अब इस तरीके से अगर आप इसलिए ध्यान दिखा दो आपको आप समझ रहे मेरे इंडेक्स में इतना डिस्पेरिटी की हुआ फोर्टी वन का 101 से आ गया क्योंकि जब मैं कहता हूं इंडेक्स फोर्टी वन तो शायद वो आई एस फोर्टी वन होगा जब मैं कहता हूं इंडेस वन जीरो वन तो शायद वो आई एफ आर एस वन होगा तुमको समझ में इसलिए ऐसा है वन टू के बाद सीधा सेवन है क्योंकि बीच के आई एफ आर एस इशू किए गए हैं तुमको समझा मैंने क्या बोला यस सर ठीक है अगर आपको यह बात समझ में आ गई क्या मैं आपका एक ओरल टेस्ट ले लू आप मुझे जवाब दोगे मैं आपका टेस्ट ले लू एक चलो ले लेता हूँ आप इतना फोर्स कर तो ले लेता ले हूँ इधर आओ सुनो ना अगर सपोज कोई आई ए एस ट्वेल्व है तो इंडेस में उसकी नंबरिंग क्या होगी फटाफट से मेरे को बताना अगर कोई आई ए एस टूएल्व है तो इंडेस में नंबरिंग क्या होगी वेरी गुड आंसर इंडे एस ट्वेल्व ठीक है अच्छा अगर कोई आई एफ आर एस नाइन है तो इंडेस में नंबरिंग क्या होगी इंडेस में नंबरिंग वेरी गुड यश वेरी गुड आयुष भूषण दिवेश वेरी गुड इंडेस में होगा इंडेस वन जीरो नाइन वेरी गुड तुमको समझा अच्छा अगर कोई सपोज आई एस फोर्टी है तो इंडेक्स में क्या होगा वेरी गुड इंडेस इंडेस कौन सा फोर्टी ही होगा अच्छा अगर सपोज कोई आई एफ आर एस आई एफ आर एस फाइव है तो इंडेक्स में क्या होगा इंडेस में वेरी गुड आदित्य हरीश गौरव इंडेक्स में होगा इंडेक्स वन जीरो अब तुमको नंबरिंग सीक्वेंस समझ आ गया देखो ये सब तुमको लगेगा का काम का क्या है भाई समझना बहुत जरूरी है अपन पूरा बैच इसी का बात करने वाले हैं नंबर्स पे खेलने वाले तो कल को जाके चलेगा ही नहीं बुद्धि की कैसा सीक्वेंस है सर सीक्वेंस समझ नहीं आ रहा है ऐसा है बट वेरी गुड प्राउड ऑफ यू गाइस ये तो टेस्ट था। लिखना नहीं है ये। ये तो ठीक है तो ये आपको मैंने क्या बताया इंट्रोडक्शन टू इंडेस दिया उसमें मैंने आपको बताया कि आई एफ आर एस कहां से आया इंडेस कितना है जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं ये क्या डिफरेंस है पढ़ने का जरूरत नहीं है कभी अगर किसी इंडेक्स में रेलिवेंट लगा तो मैं इंडेक्स के दौरान डिस्कस कर लूंगा कि इस, इस इंडेस में इंडेक्स और आई एफ आर में थोड़ा सा क्या फर्क है ऐसा जरूरत लगी तो ठीक है उसके अलावा नंबरिंग सीक्वेंस कहा जैसे आई एफ आर एस में दो चीज चल रही है तो उसका नंबरिंग आपने कैसे अडॉप्ट किया कैसे स्मार्टली किया उसका नंबरिंग सिस्टम क्लियर यस चलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं अदिति पूछती है आई एफ आर एस फोर्टी क्या होगा वैसे आई एफ आर एस फोर्टी नहीं करता है बट अगर होता तो वन फोर्टी होता फिर वो बट इतने सारे नहीं है आपको टोटल टोटल में थर्टी फाइव हंड्रेड है टोटल में थर्टी फाइव हंड्रेड ही है ठीक है चलो आगे बढ़ू हीरो लो क्या मैं आगे बढ़ू यस सर ठीक है नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द मेन चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंडिया अब मैं मेन चैप्टर से शुरू कर रहा हूं इंट्रोडक्शन टू इंडिया ठीक है अब मैं इसमें क्या बताने वाला हूं जैसे आपको पता है कि दो चीजें चल रही है ए एस भी चल रहा है और इंडेस भी चल रहा है ठीक है अब कौन सी कौन सी कंपनी इंडेस अप्लाई करेगी उसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में डिस्कस करना है मुझे जैसे कुछ कैटेगरी ऑफ कंपनीज है जो इंडस लगाएगी ठीक है सबको इंडस नहीं लगाना है भाई कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने पे आपको इंडस एप्लीकेबल हो जाएगा ठीक है तो अगर इंडस एप्लीकेबल हुआ

का इधर ले लो मैं जरा पानी पी लेता हूं हा? पानी ही है तुम भी पी लो पानी चलो देखो वैसे है ना आप बहुत सारे डिस्कशन कर सकते हो आप किसने इश्यू किया है ये कब हुआ कैसा हुआ not relevant for you ठीक है हमेशा ध्यान रखना जो भी चीज काम की है उस पर फोकस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा स्टार्टिंग में का जोश रहता है ना सब जानने का है तो जो तुमर को जानने की जरूरत है मैं सब बताता हुआ चलूंगा ठीक है ध्यान रखना चलो मटका बाजू में रखते हो गया सच्ची में मटका बाजू में ही है एक मटका है गिलास है भर के पी लेता हूं <laughs> चलो ठीक है अभी थोड़ी ना वो ऐसा मटका लेके घूमूंगा उधर <laughs> शुरू करूं शुरू करो सर चलो शुरू करते लेके प्रभु का नाम आओ एप्लीकेबिलिटी एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडेस ठीक है अब सबसे पहले किसको किसको एप्लीकेबल है अब आपको लिखने का जरूरत नहीं है जो भी लिखना किताब में लिखना जहां लिखाने की जरूरत है वहां नोटबुक में लिखाऊंगा बाकी सब किताब में लिखना है अपने को ठीक है सबसे पहले इंडेस ने क्या किया है हर कंपनी को चार पार्ट में बांट दिया ठीक है पहले एक नॉर्मल कंपनी या फिर आप बैंक हो सकते हो या फिर आप एनबीएफसी हो सकते हो या फिर आप इंश्योरेंस कंपनी हो सकते हो ठीक है चार कैटेगरी में बांटना है कंपनी बैंक एनबीएफसी और इंश्योरेंस ठीक है अब मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं अभी सिर्फ कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं इन तीनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी सिर्फ और सिर्फ कंपनीज की बात कर रहा हूं ठीक है एक ऐसी कंपनी जो ना ही बैंक है ना ही एनबीएफसी ना इंश्योरेंस है बट वो कंपनी है नॉर्मल कंपनी ठीक है उनकी बात कर रहा हूं तो सबसे पहले को कब से एप्लीकेबल होगा तो लिखा है देखो फॉर कंपनीज कंपनीज अदर अदर देन देन एनबीएफसी इंश्योरेंस ठीक है तो सबसे पहले जब ये इंडेस आया था ना तो ऑप्शन दिया सारी कंपनीज को कि आप चाहो तो वॉलंटरी अप्लाई कर लो वॉलंटरी मतलब आपको भले ही इंडेक्स का क्राइटेरिया मीट ना करे ना हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इंडेस वॉलंटरी अप्लाई उसको बोलते हैं वॉलंटरी एप्लीकेशन आपकी मर्जी है ठीक है वॉलंटरी अप्लाई करने का मौका दिया था फर्स्ट अप्रैल फिफ्टीन से फर्स्ट अप्रैल फिफ्टीन मतलब

विच कंपनीज विल फॉलो इन फेज वन वो बोलता है ऑल लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनीज मतलब आप लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो डर ऑल कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव हंड्रेड करोड़ नेटवर्थ का मतलब पता है ना क्या होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंसर प्लस इसको बोलते हैं नेटवर्थ

यस yes. अब जैसे मैं बाजू में लिखते हुए चल रहा चलो ना आप भी लिखते हुए चल सकते हो ये सब चीजें नोटबुक के अंदर अगर नोट सॉरी टेक्स्ट बुक के अंदर अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो सुनते हुए चलो बाद में कॉपी कर लेना उसको मैं ये मार्किंग्स डाल दूंगा इसके ऊपर गूगल ड्राइव के ऊपर इनिशियल तीन चार दिन का मार्किंग में डाल दूंगा डोंट वरी ठीक है अब आप एक सवाल आपके मन में आ रहा है कि सर हम तो अभी दो या ट्वेंटी सिक्स में खड़े ही नहीं है हम तो अभी बहुत आगे खड़े हैं तो ये सब क्यों डिस्कस कर रहे समझेगा अभी फिलहाल सुन लो पहले ठीक है उसके अलावा अगर आप फेज वन में फॉल नहीं किए अगर आप फेज वन में फॉल नहीं किए तो फिर आपका फेज टू चेक किया जाएगा ठीक है फेज टू में कौन सी कौन सी कंपनीज है अब ध्यान से सुनना क्या बोलते हैं फेज टू में कौन है ऑल लिस्टेड कंपनीज फुल स्टॉप इसका मतलब क्या है अगर आप लिस्टेड हो आपका नेटवर्क कितना भी हो ड मैटर फेज टू में फॉल करी जाओगे बराबर अगर आप लिस्टेड हो आपका नेटवर्क कितना भी हो ड मैटर फेज टू में फॉल करी जाओगे बराबर तो ऑल लिस्टेड कंपनीज या फिर अगर आप अनलिस्टेड हो तो आपका नेटवर्थ कितना देखा जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू तो अगर आप लिस्टेड हो बात खत्म में फॉल कर जाना अगर आप लिस्टेड नहीं हो, हो तो यहां, अगर आपका नेटवर्क इज ग्रेटर तो आपको इस साल से अप्लाई करना है 17, 17, 18. ऐसा। अभी बात ध्यान रखना ये आपको मैंने बेसिक चीजें बताई ठीक है कि वॉलेंट्री कब से आया और मैंडेटरी कब से अप्लाई हुआ ठीक है इसको याद कैसे रखेंगे सर बहुत सिंपल है मैं किस्सा खत्म मतलब एक बार शादी हो गई तो टिंडर पे जाना बंद शादी प्रोफाइल बनाना बंद तुम समझ रहे हो क्या तो वंस एप्लीकेबल Always applicable, इसका मतलब अगर by chance आपने आपने कर कर लिया लिया था पहले ही 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 तो तो फिर आपको phase one, phase two चेक करने का जरूरत नहीं है because एक बार तो जिंदगी भर करना ही पड़ेगा हर साल पे साल पे नहीं किया आपने phase one में किया था क्योंकि क्योंकिन में आपका नेटवर्क था ग्रेटर टू फाइव हंड्रेड करोर तो अगर फेज वन में आप फॉल कर गए थे ना तो फिर आपको वापस फेज टू चेक करने का जरूरत नहीं है क्यों इंडेस वन एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल

तुमको समझा मैंने क्या बोला यस ठीक है तो ये तब की बात कर रहा हूं मैं जब अप्लाई हुआ तब से अच्छा अभी ये बुद्धि मत लगाना सर मतलब आज के साल में सपोज आज अपन खड़े 2027 में एग्जाम्पल ले लो यहां खड़े अपन तो अगर आज किसी को एप्लीकेबल हुआ तो सर क्या वो पीछे जाके अप्लाई करेगा क्या इंडेक्स अरे नहीं, नहीं 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 जिस साल मीट हुआ उस नेक्स्ट ईयर से अप्लाई करना होता है इंडेस उसकी बातें मैं करूंगा बट ये जब आया था ना इंडेस तब की बात है ये कि जब आया तब कैसे अप्लाई करना है तो सर ये सब थे ना उनको पूछेंगे पूछ सकते हैं पूछ सकते हैं ध्यान रखना क्वेश्चन इसी के ऊपर है ठीक है अब मैं एक बार चीजें वापस से रिकॉल करना चाहूंगा और याद कराना चाहूंगा आपको याद कैसे करें ठीक है सीक्वेंस में तीन डेट्स याद रखो क्या डेट्स फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन याद है क्या तीन डेट्स फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन फिफ्टीन में क्या था वॉलंटरी वाला क्राइटेरिया वॉलेंटरी ठीक है फिफ्टीन में वॉज वॉलेंटरी वॉल्ट्री में कोई कैटर चेक करना नहीं वॉलंट्री है अपलाई होना हो अप्लाई हो, कर देना सिक्सटीन में क्या आया मैंडेटरी का फेज वन ये लिखो मत और सेवनटीन में क्या आया मैंडेटरी का फेज टू ठीक है ऐसे लिख दो पहले फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन वॉलंट्री फेज वन फेज टू ठीक है फेज वन में क्या चेक करना है अपने को लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो हैविंग नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव हंड्रेड करोड़ लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो हैविंग नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव हंड्रेड करोड ठीक है और फेज टू में क्या चेक करना है

फेज टू में ऑल लिस्टेड कंपनीज फुल स्टॉप या फिर अनलिस्टेड हैविंग नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू टू फिफ्टी करोड़ तीन डेट्स और सीक्वेंस थोड़ा बहुत याद रखना किया याद समझा याद पक्का हुआ एक ओरल टेस्ट ले लू क्या एक ओरल टेस्ट ले लू क्या चलो ठीक है अभी लिखना नहीं है बताते हुए चलना मैं जो आपसे पूछूंगा बताते हुए चलना ठीक है ओरल टेस्ट ले रहा हूं आपसे मैं सबसे पहली बात सबसे पहली बात पहले जितना पूछा उतना बोलो आपके जो भी क्वेरीज है मैं एक एक करके लेता हुआ चलूंगा बीच बीच में ठीक है पहले मेरे को कंसेप्ट कंप्लीट करने दो पूरा फिर आपका जो क्वेरीज आप मेरे से पूछते हुए शुरू कहां से करूं शुरू कहां से करना है वेरी गुड आंसर स्टार्ट फ्रॉम फिफ्टीन तो फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन चाहिए सिर्फ बोलते हुए चलो ये आपको लिखा हुआ है लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है फिफ्टीन में कौन सा फेज था वॉलंट्री के मैंडेटरी वेरी गुड पहले वॉलेंट्री आएगा सर तो वॉल्ट्री था 16 में कौन सा फेज था वेरी गुड मैंडेटरी का फेज वन बताने का शॉर्ट फॉर्म में वेरी गुड मैंडेटरी का फेज टू था ठीक है वॉलंट्री में कोई लिमिट नहीं थी अपने को पता है मैंडेटरी फेज वन मुझे बताओ लिमिट क्या थी शॉर्ट फॉर्म में बताओ एक एक लेटर लिख के बताओगे तो भी चलेगा वेरी गुड आंसर मानव अगर आप अच्छा मैं फेज वन में ये चेक करूं कि आप लिस्टेड हो कि अनलिस्टेड हो चेक करूं लिस्टेड है तो सबको एप्लीकेबल ऐसा चेक करूं क्या नहीं 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 फेज हमें भेदभाव नहीं है लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव हंड्रेड करोड़ बराबर क्या नेटवर्थ वेरी गुड वेरी गुड स्नेहा आयुष युक्ता साक्षी वेरी गुड ठीक है हर्ष वेरी गुड सही है अच्छा फेज टू में दो कंपनीज पहला ऑल हो हो तो बात Second, हो तो बात खत्म. कर देना अगर फिर वेरी गुड किसने आंसर किया सबसे पहले मेरे को ये? सबसे पहले मेरे को खुशी ने आंसर किया और uh, करिश्मा आंसर किया और पंकज ने आंसर किया वेरी गुड इज टू एवरी वन परफेक्ट बहुत ही बढ़िया क्या शानदार काम कर रहे हो तुम तो? क्या मस्त काम करता है मकसूद भाई अरे क्लियर है क्या वाला पार्ट सिंपल है याद रखना सिंपल है अच्छा एक और सवाल पूछूं एक सवाल निकल रहा है मेरे मन से सुनना सपोज मैं एक ऐसी कंपनी हूं जो फेज वन में क्राइटेरिया मीट कर गया था मैं यही क्राइटेरिया मीट कर गया था फेज वन में तो क्या मेरे लिए अगले साल वापस से चेक करने का जरूरत है कि मैं फेज टू में आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं सपोज मैंने इंडिया यहां से अप्लाई करना शुरू कर दिया फॉर मी डू आई नीड टू चेक अगेन अंडर फेज टू बोलो एस और नो वेरी गुड आंसर नहीं सर अगर आप यहां से मीट कर गए फेज वन में आप यहां फॉल कर गए तो दोबारा चेक करने का जरूरत नहीं है क्यों एक बार शादी हो गई हो गई इंडेस वंस एप्लीकेबल एप्लीकेबल ऑलवेज नो नीड टू चेक अगेन चलो बहुत बढ़िया यहां तक आपको समझा एक फ्लाइंग किसी दे दी आपको मजा आ गया ठीक है चलो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं आगे बढ़ सकते हो सर आप ये तो आपने मेरे को बता दिया ठीक है अब कुछ बातें और सुन लो सबसे पहले नेटवर्थ कब से चेक करना शुरू करना है नेटवर्थ कब से चेक करना शुरू करना है तो बोलते हैं इनके सब कंपनीज यू विल स्टार्ट चेकिंग फ्रॉम थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन एंड देर आफ्टर यू विल स्टार्ट चेकिंग फ्रॉम थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन एंड देर आफ्टर अब इसमें कैसा होता है सुनना मेरी बात ध्यान से आपको अगर इंडेक्स अप्लाई होगा भी

अगर आपका नेटवर्थ थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन या फिर थर्टी फर्स्ट मार्च या फिर मार्च में अगर आपका नेटवर्थ ग्रेटर इक्वल टू फाइव हंड्रेड करोड़ तो आप कौन से फेज में जाओगे इन तीनों में से कोई भी साल मीट करो मैं बोलू इन तीनों में से कोई भी साल मीट करोगे स्टिल यू आर मीटिंग बिफोर दिस फेज वन स्टिल यू आर मीटिंग बिफोर दिस फेज वन तो आप कौन से फेज में फॉल करोगे फेज वन दैट इज यू विल अप्लाई इंडिया फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल सिक्सटीन मतलब भले ही आप मीट करोगे थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन को स्टिल यू अप्लाई फ्रॉम फर्स्ट भले आप मीट करोगे अर्लिएस्ट डेट थ्रू विच यू कैन अप्लाई इंडिया मैंडेटरी बेसिस की बात करूँ अगर मैं तो फेज वन में फॉल करोगे तो कभी मीट करोगे तीन में से कोई भी डेट में यू विल फॉल अंडर फेज वन क्लियर वाला पार्ट क्या अरे यस और नो ठीक है अच्छा एक बात बताओ सर अगर कोई कंपनी थर्टी फर्स्ट मार्चीन को मीट करती है क्राइटेरिया है ना तो फिर तो भाई आ, मैं इस समय पे अगर आप 19 में खड़े हो ना तो फेज वन फेज टू चेक ही मत करना यही चेक करना क्योंकि लेटेस्ट लेटेस्ट में तो ये चल रहा है ना अभी सपोज 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 ये भी छोड़ दो सपोज मैं आज खड़ा हूं थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार छब्बीस में यहां मेरा नेटवर्थ हो गया थ्री हंड्रेड करोड़ ठीक है मैं बोलू आज के साल में जो कंपनी खड़ी है अभी उसको तो ये सब चेक करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो ये चेक करेगा ना ये सब पता कब रेलिवेंट था जब आप उस साल में थे थे में 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 जब आप वहां थे, अभी आप वहां अभी जिस साल में खड़े उस साल में आपको सिर्फ यही चेक करना है ये वाला बट मेरा फर्ज आपको सब रखना बिकॉज क्वेश्चन हर एक चीज पे फ्रेमड है ठीक है ध्यान रखना anyways, anyways, इस पे मैं और क्वेश्चन कराऊंगा आपको ठीक है तो टेंशन लेने का आपको जरूरत नहीं है क्वेश्चन में कराता हुआ चलूंगा ठीक है बट अभी फिलहाल इतना समझ लो नेटवर्क चेक करना शुरू करेंगे थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन आफ्टर से तो इन तीन में से कोई भी साल मीट किया तो आप अप्लाई करोगे फेज वन से है ना अगर उसके बाद मीट किया तो फिर फेज टू में फॉल कर जाओगे फ्रॉम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर जैसे किसी ने पूछा था ना ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन में मीट हुआ तो फिर भी क्या रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करूंगा क्या ना मुन्ना ना अगर आपका थर्टी फर्स्ट मार्च

एज पर अबव एन एंटीटी कवर्ड अंडर इंडियस एज पर अब विल मेक इट्स पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर ऑल्सो कवर्ड अंडर इंडियस एक बीमारी की तरह है अगर आपको अप्लाई हो गया अगर आपको अप्लाई हो गया तो आपके पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर सब को एप्लीकेबल वापस से अगर आपको अप्लाई हो गया तो आपके पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट वेंचर सबको एप्लीकेबल ठीक है आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन टू प्लीज कीप क्वेरीज क्वेरीज ऑन होल्ड मैं लूंगा ब्रेक के जस्ट पहले लूंगा क्वेरीज पहले मुझे पॉइंट कंप्लीट करने दो ठीक है अगेन अगर आपको अप्लाई हो गया तो आपके पेरेंट आपके सब्सिडरी आपके एसोसिएट आपके वेंचर सबको एप्लीकेबल यू नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ पेरेंट या पढ़ा है ना पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जॉइट वेंचर क्या होता है पेरेंट मतलब सपोज मैं एक कंपनी हूं ठीक है और मेरा बीबी वर्चुअल्स में सेवेंटी फाइव परसेंट स्टेक है मैं एक लिमिटेड कंपनी है और मेरा बीबी वर्चुअल में सेवेंटी फाइव परसेंट स्टेक है तो क्योंकि मेरा मोर देन फिफ्टी परसेंट स्टेक है किसी कंपनी में तो मैं बन गया पेरेंट और बीबी वर्चुअल बन गया मेरी सब्सिडरी इसको बोलते हैं पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट मतलब अगर आपका ट्वेंटी से फिफ्टी परसेंट स्टेक है किसी कंपनी में तो वो बन जाती है असोसिएट

Associate, joint manager, सब applicable. COVID की तरह है ऐसा बीमारी का नाम लेना नहीं चाहिए बट कोविड की तरह ही है. आपके तो खानदान को नोटबुक तो भी भी में एग्जाम्पल किसी पॉइंट के ऊपर तो मैं उस पॉइंट के बाजू मतलब में ऐसे करके लिखूंगा एन बी एग्जाम्पल मीनिंग ऑफ दिस एन बी मतलब नोटबुक में एग्जाम्पल तो आपको पता रहेगा ना कि इस पॉइंट के ऊपर सर ने नोटबुक में कुछ लिखाया हुआ है तो आपका सीक्वेंस रिवाइज करने का अच्छे से बैठेगा ना ध्यान रखना ठीक है तो इसके ऊपर नवडुक में अपना एग्जांपल लेंगे ठीक है आ जाओ ये सबको मैंडेटरी एप्लीकेबल है यस मैंडेटरी एप्लीकेबल हो जाएगा इन सबको आ जाओ एक एग्जांपल लिखना है मुझे आपको इधर इंट्रोडक्शन टू इंडीस इंट्रोडक्शन टू इंडीस ठीक है इधर एग्जाम्पल लिखना है एग्जाम्पल नंबर वन आओ लिखो मेले भैया के चादी में जल्द जरूर आना वैसा ही है सपोज है। एक कंपनी है ए के लिमिटेड ठीक है के लिमिटेड ओके अब है ना इसकी एक पेरेंट है इसकी एक पेरेंट है पता है कौन पेरेंट कंपनी का नाम है बीबी लिमिटेड पेरेंट कंपनी का नाम है बीबी लिमिटेड ठीक है और एक्चुअली ये पेरेंट है ना पेरेंट जो बीबी लिमिटेड है यू नो वॉट इज बीबी लिमिटेड बीबी सर ठीक है अब इस पेरेंट की एक नहीं दो सब्सिडरी है एक तो एक के तो है ही एक के तो है ही साथ में एक और सब्सिडरी है एस के लिमिटेड यू नो एसके लिमिटेड एसके मतलब शुभम केसवानी सर जो ऑडिट पढ़ाते हैं आपको ठीक है एसके लिमिटेड ठीक है तो एक पेरेंट है इसकी दो सब्सिडरी है इसकी दो सब्सिडरी है एक है और एक एस ये दोनों के दोनों मैं लिख दू ब्रैकेट में है एस बी है सब्सिडरी ये भी सब्सिडरी है ठीक है अच्छा ऐसा मान लो ये ए के ना ए के इसकी भी एक छोटी सब्सिडरी है मतलब बीबी की सब्सिडरी ए और एक की भी एक सब्सिडरी है पॉसिबल है ना ऐसा पॉसिबल है ऐसा ठीक है तो एक के सब्सिडरी का नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड बराबर एक्स वाई जेड लिमिटेड लिखना ही आपको ठीक है ये सब्सिडरी ऑफ एके सब्सिडरी ऑफ एके ठीक है समझ गया सर अब है ना मैं कुछ डिस्कशन करूंगा थोड़ी एडवांस बातें कर रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनना ठीक है अगर आपने मेरे से पूछा इंडेस किसको अप्लाई हुआ तो आपने मेरे से पूछा क्या पेरेंट को एप्लीकेबल हुआ नहीं क्राइटेरिया मीट नहीं किया पेरेंट का क्या एसके को एप्लीकेबल हुआ नहीं एसके को भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है क्या एक्स वाई जेड को एप्लीकेबल हुआ नहीं एक्स वाई जेड को भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है लेकिन इसमें एक रंगीन आदमी है ए के लिमिटेड बड़ी कंपनी है ना भले सब्सिडी तो क्या हुआ बड़ी कंपनी है इसको इंडेस वाला क्राइटेरिया मीट हो गया ठीक है तो मैं लिख देता हूं ये जो के लिमिटेड है लिख देता हूं क्राइटेरिया ऑफ इंडियस मेट क्राइटेरिया ऑफ इज मेट एके को तो अब अपने को डिसाइड करना है कि इस एके की वजह से किसको किसको एप्लीकेबल हो जाएगा तो हमने क्या बोला ये जो एके की पेरेंट है ये जो एके की सब्सिडरी है ये जो एक का एसोसिएट है और एके का ज्वाइंट वेंचर है उन सब को एप्लीकेबल हो जाएगा ठीक है तो अब इस एके की वजह से क्या पेरेंट को एप्लीकेबल होने वाला है बीबी लिमिटेड को यस द आंसर इज यस तो AK की वजह से पेरेंट को एप्लीकेबल हो जाएगा तो मैं लिख देता हूं इस पेरेंट को इट विल बी एप्लीकेबल सॉरी कॉज ऑफ एके एप्लीकेबल कॉज ऑफ एके पेरेंट को अच्छा क्या जेड को एप्लीकेबल हो जाएगा हाँ ये जो कंपनी है इसकी पेरेंट इसकी सब्सिडरी दोनों एप्लीकेबल तो इसकी पेरेंट को अपन अप्लाई कर दिया अब इसकी सब्सिडरी को अप्लाई करेंगे तो मैं एक्स वाई इसको भी एप्लीकेबल हो गया कॉज ऑफ एके लिमिटेड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या ए के वजह से एसके को भी अप्लाई हो जाएगा क्या सर ए के और के का रिश्ता एसके का रिश्ता क्या है इनका रिश्ता है देखो इनके एक कॉमन पेरेंट है बस यही रिश्ता इनका तो इनको प्यार से पता है क्या बोलते हैं इनको प्यार से बोलते हैं फेलो सब्सिडरी इनको प्यार से आपस में बोलते हैं फेलो सब्सिडरी ठीक है तो क्या एक कंपनी के फेलो सब्सिडरी पे भी, भी अप्लाई करना है क्या क्या कंपनी के फेलो सब्सिडी पे अप्लाई करना है क्या दैट इज द मेन क्वेश्चन तुम समझ रहे हो क्या तो ना स्टैंडर्ड इस चुप 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 था स्टैंडर्ड ऐसा चुप है चुप. लेकिन एक ITFG करके एक गाइडेंस नोट इशू होता है उसमें इस पर क्लैरिफिकेशन दिया कि आपकी वजह से आपके फेलो सब्सिडी का अप्लाई नहीं करोगे आपके डायरेक्ट पेरेंट आपके डायरेक्ट सब्सिडी का अप्लाई करोगे लेकिन आपकी जो फेलो सब्सिडी है उस पर आप अप्लाई नहीं करोगे तो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फेलो सब्सिडरी लिखो इधर नॉट एप्लीकेबल टू फेलो सब्सिडरी इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फेलो सब्सिडरी ये याद रखना है आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब इज दिस लेट एवरी वन यस ठीक है तो वापस से आपके डायरेक्ट पेरेंट आपके डायरेक्ट सब्सिडरी को एप्लीकेबल है लेकिन आपकी फेलो सब्सिडरी को अप्लाई नहीं करना है आपको ठीक है ये यहां तक तो क्लियर है ना अब आपके मन में एक सवाल आया एक मन में सवाल आपके पता है एक सवाल क्या आ सकता है सर एक बात देखो एक के ने क्राइटेरिया मीट किया तो एके की वजह से बीबी को अप्लाई हो गया अब आप ये भी तो कह सकते हो ना कि क्योंकि बीबी को एप्लीकेबल था बिकॉज इट वॉज एप्लीकेबल टू बीबी लिमिटेड तो बीबी लिमिटेड की सारी सब्सिडरी सारी एसोसिएट सारी जॉइंट वेंच ये ऐसे मत देखना इसको किसी और की वजह से अप्लाई हुआ है तो जिसको किसी और की वजह से अप्लाई होता है ये नहीं बोल सकता कि मेरे भी पेरेंट मेरे भी सब्सिडरी को अप्लाई करो नहीं अरे ऐसे तो फिर दुनिया में सब कवर हो जाएंगे ऐसे तो फिर दुनिया में सब कवर हो जाएंगे भाई तुम समझ रहे हो ये मत बोलना तुमको समझा मैंने क्या बोला यहां गया क्या मैंने बोला जिसको एप्लीकेबल होता है ना सिर्फ यही बोलेगा कि मेरी पेरेंट मेरी सब्सिडी को एप्लीकेबल अब बीबी लिमिटेड को खुद को अप्लाई नहीं हुआ था इसको एप्लीकेबल हुआ बिकॉज ऑफ समवन समवन एल्स एल्स तो जिसको एल्स की वजह से एप्लीकेबल होता है ना वो नहीं बोल सकता कि मेरी पेरेंट मेरी सब्सिडी को भी कवर करो नहीं तुमको समझा मैंने क्या बोला अगर तुम खुद से क्राइटेरिया मीट करते तो तुम चिल्लाओ कि मेरी पेरेंट मेरी सब्सिडी लेकिन अगर तुमको किसी और की वजह से अप्लाई हुआ है तो तुम नहीं चिल्ला सकते कि मेरी पेरेंट मेरी सब्सिडी सबको समझा क्या? तो ए, एक नोट लिखा दो इधर आजू बाजू में एक नोट लिखा हूं लिखो नोट बीबी -बी लिमिटेड या तो ऐसा लिखो बीबी -बी लिमिटेड अप्लाइड इंडेस ज ऑफ ए के देर फॉर बीबी लिमिटेड कैनॉट से दैट अप्लाय इंडेस टू माई सब्सिडीज जेवी एसोसिएट जिसको डायरेक्ट एप्लीकेबल होता है सिर्फ वो बोल सकता है यह चीज जिसको डायरेक्ट एप्लीकेबल होता है बस उसको ही वो ही बोल सकता है ये चीज ठीक है राहुल एक सेकंड दे, दे दे वो इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा राहुल ने एक अच्छा क्वेरी रेस किया है बट मैं उसको रीड नहीं करूंगा क्योंकि मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ राहुल ने वो थोड़ा सा वो दे दिया पॉलर अलर्ट एनीवेज वेज इज दिस लेट एवरी पक्का समझाने वाला बात ओ राजा बेटा लोग क्लियर है क्या हाँ देखो ये पूजा ने एकदम सही बोला खुद को अप्लाई होगा तो वो ही अपने पेरेंट सब्सिडी एंड ऑल चेक करेगा परफेक्ट जिसको खुद का एप्लीकेबल है वही चेक करेगा अपने पेरेंट सब्सिडी जिसको किसी और की वैसे अप्लाई हुआ वो नहीं चेक करेगा ऐसा लिख दो अपने हिंदी में अपने भाषा में कोई दिक्कत नहीं बाजू में किधर क्लियर चलो एक आखिरी बात करूं आपसे एक आखिरी बात पक्का एक आखिरी बात फिर ब्रेक दे दूंगा ठीक है थोड़ी एडवांस बातें करूं क्या आपसे मेरे को लग रहा है करूं नहीं करूं इसलिए पूछ रहा हूं कर लू पिंकी प्रॉमिस चलो ठीक है आपको पता है ये जो पेरेंट कंपनी होती है ये कितने फाइनेंशियल बनाती है ये दो फाइनेंशियल बनाती है ये दो फाइनेंशियल बनाती है पेरेंट ये बनाती है एसएफएस एसएफ मतलब अकेले खुद का स्टैंड अलोन या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक बनाती है सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता है ये बात आपको यस yes. तो मैं एक बार ना लिख देता हूं इधर <coughs> ये जो है ये मतलब ऊपर बीबी लिमिटेड ये पेरेंट है ठीक है ये बनाएगी एस एफ एस और ये बनाएगी सी एफ एस ठीक है अच्छा पेरेंट को बीबी को क्या एप्लीकेबल हुआ था इंडेस हाँ, इनको एप्लीकेबल हो गया था इंडेस बीबी को तो इसका एस एफ एस भी बनेगा एस पर इंडेस इसका एस एफ एस भी बनेगा एस पर इंडेस और इसका सीएफएस भी बनेगा एस पर इंडेस एस एफ एस सी एफ एस दोनों बनेगा एस पर इंडेस ध्यान रहेगी ये बात ठीक है सर ध्यान रहेगी अच्छा तुमको पता है का मतलब क्या होता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है तुमको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी एफ एस सी एफ एस का मतलब होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इसमें क्या होता है सी एफ एस में सी एफ एस के अंदर जो तुम्हारी पेरेंट है प्लस ऑल सब्सिडरीज इसको हम क्या करते हैं पता है कंसोलिडेट है? करते हैं इन इन सबको क्या करते हैं हम साथ में मिलकर रिकॉर्ड करते हैं जोड़ के रिकॉर्ड करते हैं सबको ठीक है जोड़ के सबको रिकॉर्ड करते हैं ध्यान से मेरी बात सुनना ठीक है तो ये जो सीएफएस बनेगा पेरेंट का मुझे बताओ सीएफएस बनाना एज पर इंडेस है तो हर एक कंपनी का डेटा भी एज पर इंडेस चाहिए होगा ना फॉर एग्जाम्पल ये जो बीबी लिमिटेड है ये किसके साथ बनाएगा सी एफ एस बीबी लिमिटेड अपनी सारी सब्सिडीज को करेगा कंसोलिडेट को भी करेगा वो एसके को भी करेगा और वो जेड को भी करेगा सर, तो के नहीं है, तो है. है. है बीबी लिमिटेड को ए के और जेड तीनों को साथ में मिलकर कंसोलिडेट करना है ठीक है तो पेरेंट को प्लस ऑल सब्सिडरीज को सब्सिडीज में कौन कौन है एक्स, वाई, जेड है, XYZ है। और है. मुझे बताओ जब सी एफ एस बनाना इंडेस है, तो का डेटा कैसा चाहिए इंडेस चाहिए एज पर इंडेस ही चाहिए रहेगा सर क्या AK को इंडिया हो रहा है क्या के को इंडियस अप्लाई हो रहा है सर इंडिया हो रहा है तो वो तो डेटा भेज देगा इंडेस में अच्छा एक्स वाई जेड का डेटा कैसा चाहिए रहेगा एज पर इंडे से चाहिए रहेगा सर क्या एक्स वाई जेड को इंडे सप्लाई हो रहा है देखो जरा क्या एक्स वाई जेड को इंडे सप्लाई हो रहा है हो रहा है सर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मुझे बताओ एस के का डेटा कैसा चाहिए रहेगा फॉर द पर्पज ऑफ सी एफ एस एस के को डेटा भेजना पड़ेगा ना एस के का डेटा कौन सा वाला चाहिए रहेगा

एक मिसमैच आ गया इस केस में तो ऐसे केस में पता है एसके क्या करेगा पता है एसके क्या करेगा सुनो क्या करेगा इधर लिख रहा हूं मैं नीचे ये जो एसके है लिखो इधर एसके प्रिपेयर हिज ओन फाइनेंशियल एस पर एस वो खुद के फाइनेंशियल तो एस पर एस बनाता है ना बट 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 फॉर द पर्पज ऑफ सी एफ एस फॉर द पर्पज ऑफ सी एफ एस उसको डेटा भेजना पड़ेगा एज पर इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ सी एफ एस उसको डेटा भेजना पड़ेगा लिखो इधर फॉर द पर्पज ऑफ सी एफ एस ही विल सेंड डेटा टू पेरेंट बीबी लिमिटेड एस पर इनडेस एसके प्रिपेयर इज ओन एफ एस एस पर एस बट फॉर द पर्पज ऑफ सी एफ एस ही विल हैव टू सेंड डेटा टू पेरेंट एस पर एनडेस मतलब मैं बोलू एसके के लिए डबल मेहनत हो गई ना SK के लिए डबल मेहनत हो गई ना बेचारा क्योंकि उसको इंडा सप्लाई नहीं हुआ तो वो तो ए एस भी एस पर एस भी बनाएगा और सी एफ एस के डेटा भेजना पड़ेगा एस पर एस डबल मेहनत फॉर एसके ठीक है डबल मेहनत फॉर एसके कांट हेल्प ये करना पड़ेगा एसके को इज दिस क्रेट एवरी वन एक आउट ऑफ कंटेक्स जाके बात करूं आउट ऑफ कंटेक्स जाकर अगर आप एसके लिमिटेड हो आपको इंडेस तो अप्लाई नहीं हुआ आप पता है क्या कर सकते हो बताओ क्या कर सकते हो आप एक स्मार्ट काम क्या कर सकते हो आप ये डबल डबल काम करना चाहते हैं आप एक स्मार्ट काम कर सकते हो बताओ क्या कर सकते हो मेरे को राहुल ने और साई राम ने एकदम करेक्ट आंसर कर दिया है अगर आप स्मार्ट हो ना स्मार्ट और अगर आप एसके हो भले ही आपको इंडे सप्लाई नहीं होता है कोई बात नहीं वॉलंटरी अडोप्ट कर लो ना अरे वॉलेंटर अडोप्ट करने से फायदा क्या होगा तुमको देखो एज पर इंडे डेटा तो भेजना ही है तो वॉलेंटियर अडॉप्ट करके इंडिया कर लो बट ये एग्जाम मत लिख कराना करा पूछा नहीं तुमसे किसी ने ये चीज कोई पूछे तो बताना नहीं पूछे तो जितना मैंने लिखाया उतना लिख कर आ जाना कि एसके क्या करेगा तुमको समझा एक्स्ट्रा ज्ञान मत देकर आना उसको एग्जामिनर को है ना बताना मत कि आकाश के से पढ़ रखा है तकलीफ हो जाएगी फिर ठीक है तो हाँ तुम सबने एकदम वैसे दिमाग तो लगाया तुम्हारा दिमाग तो चल रहा है ठीक है डबल मेहनत कौन करेगा सही बात है डबल मेहनत कौन करेगा सीधा सीधा इंडेस फॉलो करो कहानी खत्म करो सर लेकिन एग्जाम एग्जाम में में यही ऐसे लिख कर आना कि बेचारे इसके लिए डबल मेहनत हो जाएगी ठीक है चलो तो एक बार मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं अच्छा एक और चीज जब मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा ना ऐसा लगेगा मिक्सअप हो गया तो मिक्सअप कुछ नहीं होगा जब मैं जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करना अभी मेरा फोकस सिर्फ एग्जाम्पल पे तो

क्योंकि इसको किसी और की वजह से एप्लीकेबल हुआ है तो ये, ये नहीं बोलेगा कि मेरे भी पेरेंट को कवर करो मेरे भी सब्सिडी को कवर करो ये नहीं बोल सकता ऐसा समझा मैंने वो नोट लिखा के दिया मैंने इस बात के ऊपर पहली चीज सेकेंड चीज अभी जो पेरेंट है हमको यह मालूम है कि यह बनाएगा डेट सी एफ एस दोनों एस पर इंडे ये तो ठीक है ठीक है लेकिन जो सी एफ एस बनाएगा सी एफ एस में उसको हर एक कंपनी का डेटा भी लगेगा एस पर इंडेस ना सी एफ एस में उसको हर एक कंपनी का डेटा भी लगेगा एस पर इंडे ठीक है तो एक बात समझ के ले लेना अगर कोई ऐसी सब्सिडरी है जो ए एस फॉलो कर रही है अगर कोई ऐसी सब्सिडरी है है जो फॉलो कर रही है, तो वो अपने खुद के फाइनेंशियल भले बनाएंगे पर एस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सी एफ एस के पर्पज के लिए इसको डेटा एस पर इंडेस भी भेजना पड़ेगा सीएफएस के पर्पज के लिए भी इसको डेटा एज पर इंडेक्स भेजना पड़ेगा बस इतना आपको ध्यान रखना है इस दिस क्लियर टू एवरी वन बोलो यस और नो फटाफट से क्या ये एग्जाम्पल तुमको समझ में आता है यस yes, परफेक्ट चलो तो मेरे ख्याल से मैंने आपको पता है कौन सा पॉइंट करवाया है? ये वाला पॉइंट करवाया थर्ड पॉइंट ठीक है फोर्थ पॉइंट भी अपना हो गया देखो क्या बोलता है एप्लीकेशन ऑफ इंडेस इस फॉर बोथ स्टैंड अलोन एज वेल एस सी एफ एस मैंने क्या बोला इंडेस हुआ तो एस एफ एस और सी एफ एस दोनों पर करना। मतलब या मतलब दोनों पे आप अपलाकेबल आपको मैंने यहां तक है, चार पॉइंट तक क्लियर ठीक है तो अब क्या करेंगे अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे ठीके? ब्रेक के बाद मैं नीचे वाले पॉइंट से कंटिन्यू करूंगा आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई है ठीक so we'll है सो विल टेक अ फिफ्टीन मिनट्स ब्रेक एंड देन वी विल रिज्यूम ठीक है अरे क्लियर कह रहे हो लोग Perfect. आप क्या करो तब तक अब आपको जो क्वेरीज है पंद्रह मिनट का ब्रेक है ना अभी एट फोर्टी वन हो रहा है एक काम करो यू मीट एट एट फिफ्टी एट सर फिफ्टी एट क्यों दो मिनट में आपको दे रहा हूं आपको जो क्वेरीज है मेरे से पूछ लो अभी कोई दिक्कत नहीं है बिंदा जो भी क्वेरीज है पूछ लो ठीक है जो क्वेरीज है दो मिनट पूछ लो अभी फटाफट से अच्छा एक और अभी जिसको जो क्वेरी है ना कुछ क्वेरीज आई थी तो पूछ लो फटाफट से ठीक है दो मिनट क्वेरीज के लिए दे रहा हूं आपको मैं जिसको क्वेरीज नहीं हो जाके ब्रेक क्वेरीज ले रहा हूं अभी ठीक है गुड क्वेश्चन इसको मैं क्वेश्चन में कवर करना चाहूंगा हर्षिता आप उसके लिए थोड़ा वेट करोगे क्वेश्चन में आएगा वो चीज यस गुड क्वेश्चन मैं अभी बोलूंगा तो डिस्लेमर हो जाएगा मजा नहीं आएगा उसके अंदर थोड़ा सा है ना सर फेलो एंड सिस्टर कंसर्न हा से सर अगर कंपनी पे मैंडेटरी एप्लीकेबल हो रहा है बट कंपनी अप्लाई नहीं कॉन्सिक्वेंस क्या होगी ऑडिटर है ना उसके ऑडिटर को पूछना है कॉन्सिक्वेंस क्या हो कर पूछ ऑडिट रिपोर्ट अपनी वो होल्डिंग की होल्डिंग को भी एप्लीकेबल नहीं होगा क्या होगा होगा भूषण होगा उस वो भी क्वेश्चन में आएगा भूषण राहुल बोलता ऑल क्वेरीज आपसे पढ़ के लास्ट तक परफेक्ट राहुल मैंने कहा था ना क्वेरीज लास्ट तक रिजोल्व हो जाएगी सारी वी नीड टू चेक

अक्षत मैंने क्या बोला इंडियस वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल तो अगर अभी मीट हो गया तो एक बार अप्लाई करना शुरू कर दिया फिर बाद में आगे जाके मीट नहीं भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंडियस वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल ठीक है सर अगर सब्सिडरी को अप्लाई करना हो तो वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल सबके लिए हर्षित सब्सिडरी हो ज्वाइंट वेंचर हो एक बार भी किसी ने इंडेस लगाया ना खत्म ऑलवेज एप्लीकेबल ठीक है एक्स वाई जेड ए के सब्सिडरी है तो ए के जब अपना एफ एस बनाएगा तो एक्स वाई जेड को इंक्लूड करेगा तो बीबी क्यू इंक्लूड ये दिनिशा आपने पूछा है ना ये आप जब सी एफ एस चैप्टर पढ़ोगे तब आपको चीज समझ में आएगी ठीक है ये सी एफ एस में कवर्ड है कि कौन किसके साथ कंसोलिडेशन प्रिपेयर करेगा अभी मैंने ऐसा मान लिया कि बस मान लो कि ये बीबी लिमिटेड सबके साथ सी एफ एस बनाएगा ऐसा मान लो बस क्यों बनाएगा कैसे बनाएगा वो बाद में सीखेंगे ठीक है ओके डज ये आएगा राजेंद्र राजेंद्र आएगा आपका क्वेरी सर डू ए के लिमिटेड नीड्स टू प्रिपेयर सी एफ एस एस वेल विद जेड यस मनी यस टीचिंग एट इट्स बेस्ट फिथ एके सर थैंक यू प्रियंका सर नो डाउट ऑल क्लियर एग्जांपल परफेक्ट आयुष ने पूछा सर अगर पहली बार में एक्स जेड को क्राइटेरिया मीट होता तो

करेंगे वो भी मनोज ने पूछा अगर मुझे ग्लोबल जाने ही नहीं है तो मैं क्यों फॉलो करूं भाई मैंडेटरी कर दिया ना तुम ग्लोबल जाओ नहीं जाओ तुमको बनाना तो पड़ेगा वो बोलता है मेरे को जाना ही नहीं है तो धंधा ही मत कर फिर <laughs> कैसे कैसे क्वेरी पूछते हो इफ सब्सिडी डज नॉट रिमेन सब्सिडी हाँ एक बार अप्लाई कोमल ऑलवेज एप्लीकेबल

एवरीथिंग क्लियरड एब्सोल्यूटली क्लियरड बहुत बढ़िया चलो अच्छे क्वेरीज भी आपने ले लिए मजा आ गया अभी 846 हो रहा है पांच मिनट तो क्वेरीज पूछने में लगा दी तुमने अब 10 मिनट ही बचा अपने पास 856 को आ जाना 858 को सॉरी 858 को आ जाना ठीक है रिज्यूम एट 858 ओके okay? रिज्यूम करे हीरो लोग मेरे हीरो लोग रिज्यूम करे <coughs> बोलो फटाफट चालू करूं आई एम बैक चलो मैं चालू कर रहा हूं आई एम बैक लेट्स कंटिन्यू हिरो लोग हो गया ब्रेक चलो अब कंटिन्यू हम कर सकते हैं हम ए तुमको पता चैप्टर कौन सा पढ़ रहे चैप्टर का नाम भी पता है क्या हाँ इंट्रोडक्शन टू इंडेस इतना तो पता है हमको सर तो भाई चैप्टर का नाम हम तो मालूम ना मालूम पड़ा हो तो क्या फिर बोलेगा क्या पढ़ा सर था तो सही कुछ पता नहीं हाँ ठीक है एप्लीकेबिलिटी के बारे में कब एप्लीकेबल है तो मैं फिर पूरे इंडिया को कैसे पढ़ाऊंगा फिर कुछ बच्चे पढ़ पाएंगे ना मेरे से ऐसे चीटिंग हो जाएगी ना फिर चलो ठीक है मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ठीक है चलो आ जाओ चलो ये पूरे कंसेप्ट खत्म कर लो फिर मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा जो मेरे साथ दो तीन दिन पहले ही हुआ

हम जब डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेबिलिटी तो मैं हर एक कंपनी को चार पार्ट में बांट रहा हूं ठीक है कंपनीज बैंक एनबीएफसी इंश्योरेंस अब वो क्या बोलता है बोलता है अगर तुम एक नॉर्मल कंपनी हो लेकिन तुम्हारी जो पेरेंट या सब्सिडरी है या एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर है वो नॉर्मल कंपनी नहीं है वो कोई बैंक इंश्योरेंस एनबीएफसी है तो उस केस में देन इंडेस टू सच कंपनीज इज एप्लीकेबल फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डेट्स दैट इज डेट्स एप्लीकेबल टू बैंक इंश्योरेंस एनबीएफसी मतलब इधर बाजू में छोटा सा एग्जाम्पल लिख के देता हूं सपोज एक कंपनी है ए के लिमिटेड ये कंपनी है नॉर्मल ठीक है एसके लिमिटेड एस के मतलब लिमिटेड। तो मेरी है, लिमिटेड। अब ये जो शुभम केसवानी लिमिटेड एसके लिमिटेड ये एनबीएफसी ऐसा मान लो ठीक है मैं पेरेंट मुझे इंडस एप्लीकेबल हो गया लेकिन अगर सब्सिडरी कोई बैंक इंश्योरेंस तो मत करना तो फिर हम इनका रिस्पेक्टिव क्राइटेरिया चेक करेंगे तो हम इसका क्या चेक करेंगे क्राइटेरिया। मतलब, अगर आप कोई सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर हो तो उस केस में रिश्ते की वजह से अप्लाई मत कर देना आप अपना रिस्पेक्टिव क्राइटेरिया चेक करोगे बात खत्म तुमको समझा मैंने क्या बोला वापस से बोलू सपोज मैं नॉर्मल कंपनी हूं और मेरी सब्सिडरी एनबीएफसी है तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि मुझे एप्लीकेबल तो मेरी सब्सिडरी को एप्लीकेबल लेकिन इस केस में सब्सिडरी क्योंकि बैंक इंश्योरेंस या एनबीएफसी है तो सब्सिडरी के लिए रिस्पेक्टिव क्राइटेरिया देख के अप्लाई करेंगे रिश्ता देखकर नहीं ठीक है रिश्ता देखकर नहीं तो मैं बोलूंगा फॉर दिस सब्सिडरी चेक क्राइटेरिया ऑफ एनबीएफसी क्राइटेरिया ऑफ एनबीएफसी अगर बाई चांस ये एनबीएफसी नहीं होता तो, तो फिर तो अप्लाई हो जाता ना फिर अप्लाई हो जाता ठीक है सर क्राइटेरिया क्या है बैंक एनबीएफसी का वो नीचे पढ़ने वाले आएगा वो बाद में आएगा ठीक है अरे मेरे हीरो लोग बोलो यस और नो जोर से बोलो जय माता दीकाकर रिस्पेटिव प्राइटर नीचे आएगा रिस्पेक्टिव मतलब बैंकिंग कब से अपलाई करेगा इंश्योरेंस कब से अपलाई करेगा एनबीएफसी कब से अपलाई करेगा उनके अलग डेट्स है उनके डेट्स अलग है वो आपने पढ़ी नहीं है डेट्स की बात वही समझेंगे जो डेट पे गए तुम तो डेट गए गई नहीं हो है, सर वो लो मजाक क्लियर है वाला पार्ट अब समझ में आ गया सर ठीक है ये हो गया फिफ्थ पॉइंट मैं आऊंगा रिवाइज मतलब क्या है देखो एक होता है नॉर्मल अपना एक्सचेंज और एक होता है एसएमई एक्सचेंज एसएमई का मतलब क्या होता है स्मॉल एंड मीडियम प्राइसेस सॉरी मीडियम प्राइसेस नहीं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्सचेंज ठीक है तो अगर आप एसएमई पे लिस्टेड हो पता है एसएमई पे कौन लिस्टेड होता है पांच करोड़ दस करोड़ की कंपनी है तो अगर आप एसएमई पे लिस्टेड हो ना तो आपको फिर इंडिया सप्लाई नहीं करना है ऐसा क्यूब क्लैरिफिकेशन दिया ऊपर हम क्या बोलते हैं कि अगर आप लिस्टेड हो तो आपको इंडेस एप्लीकेबल है लेकिन अगर आप एसएमई पे लिस्टेड हो एसएमई पे ना टेन करोड़ से मेरे ख्याल से कम कंपनीज लिस्टेड होती है टेन करोड़ से कम सेटवर्क होता है तो आप उनको कैसे अप्लाई कर बहुत छोटी कंपनी है वो तो अगर लिस्टेड एसएमई पे हो तो मत अप्लाई करना अगर लिस्टेड नॉर्मल एक्सचेंज पे हो तो फिर अप्लाई कर देना ठीक है ध्यान रखना चलो आगे कंपेरेटिव शाल ऑल्सो प्रेजेंटेड एज पर इंडेस इसका मतलब क्या है

तो आपको ए एस अप्लाई करना आपका नेटवर्क कितना भी हो पार्टनरशिप है नेटवर्क हजार करोड़ डजेंट मैटर एस अप्लाई करोगे बिकॉज आप कंपनी नहीं हो ध्यान रखना तो मैं लिख देता हूं पार्टनरशिप स्लैश सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स अप्लाई एस वो ए ही अप्लाई करेंगे ठीक है यस yes. आएगा देवेंद्र ये भी आएगा टेंशन मत लो सब आएगा लाइन लाएग में आओ लाइन में आओ क्लियर चलो ये वाला पार्ट हो गया अपना अब यह आपने किसका डिस्कशन किया पता है कंपनीज का डिस्कशन किया कंपनीज का बात हो गया अब बैंक एनबीएफसी इंश्योरेंस का बाकी है ठीक है तो आ जाओ इधर पहले बैंकिंग की बात कर लेते हैं बैंकिंग के लिए क्या बोला है डिफर्ड द इम्प्लीमेंटेशन दिन फर्टर नोटिस बोलता है इसकी एक डेट निकाली थी इनकी बैंक की बैंक और इंश्योरेंस की डेट निकाली थी

पी यू एस सी crore फाइव हंड्रेड करोड़ फॉर एस एम ई अच्छा एस एम ई का क्राइटेरिया बता रहे एनी वेज ठीक है वे देखना गूगल करो मालूम पड़ जाएगा तुमको ठीक है तो अगर बैंकिंग इंश्योरेंस हो तो अब तक तुमको अप्लीकेबल नहीं है इंडेस बताएंगे वो कब अप्लाई करना है ठीक है सर आगे अगर आप एन बी एफ सी हो तो ठीक है तो एनबीएफसी में देर इज नो वॉलेंटरी आप ध्यान से देखो देर इज नो वॉलेंटरी ईयर ये तीनों में कोई वॉलेंटरी नहीं है यहां अप्लाई हुआ तो ये अप्लाई करना खुद से अप्लाई नहीं कर सकते कंपनी में कैसे वॉलेंटरी था या वॉलेंटरी नहीं है तो एनबीएफसी में सिर्फ मैंडेटरी आता है फेज वन और फेज टू

लेकिन अब याद कैसे रखे सर डेट्स में फर्क है ना इसका चालू ही हो रहा है फर्स्ट अप्रैल एटीन से तो है ना अब मैं आपको एक हायर हूँ की ठीक है एक बढ़िया हिंट दूंगा बड़ा डेट आसा... सबसे पहली डेट कंपनी की वॉल्ट्री डेट याद रखो है ना फर्स्ट अप्रैल फिफ्टीन ये याद रहेगा डेट ठीक है फिफ्टीन अगर याद है ना अब इसको याद कर सकेंगे पूरे सीक्वेंस को चिपका के आने का फिफ्टीन से शुरू करने का सीक्वेंस में लिखने का फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन लाइन से लिखो फिफ्टीन में कौन कंपनी का वॉलेंटरी सिक्सटीन में कौन कंपनी का फेज वन मैंडेटरी वाला सेवनटीन में कौन कंपनी का फेज टू मैंडेटरी वाला अब जैसे कंपनी खत्म हुआ एनबीएफसी बोलेगा जहां तुम खत्म होते वहां हमारी शुरुआत होती है तो एटीन में शुरू करेगा एनबीएफसी NBFC. NBFC में क्योंकि वॉल्ट्री नहीं है तो एनबीएफसी का फेज वन आएगा और NBFC का phase two आएगा सर बैंक और इंश्योरेंस कहाँ गए इनको अप्लाई करना ही नहीं है डिफर्ट एंटिल फर्दर नोटिस काम हो गया तुम्हारा ये काम हो गया तुम्हारा ठीक है अब वॉल्ट्री में कोई लिमिट होती नहीं है कंपनी के फेज वन में क्या था नेटवर्थ ग्रेटर दैन इक्वल टू फाइव हंड्रेड लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो अच्छा कंपनी के फेज टू में क्या था लिस्टेड हो फुल स्टॉप लिस्टेड हो तो खत्म अप्लाई कर देना इंडेस अगर अनलिस्टेड हो तो फिर नेटवर्क चेक करेंगे कितने थे नेटवर्क ना भूल गया ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना था हाँ 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 टू हा, फिफ्टी था सर टू फिफ्टी बराबर सर व्हाट अबाउट एनबीएफसी जो कंपनी का फेज वन था सेम लिमिट से सिर्फ डेटा लगे लिमिट सेम है वो लिस्टेड अनलिस्टेड nbfc जिसका नेटवर्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 बराबर अच्छा फेज टू में कौन आएगा सेम लिमिट है सेम पहला आएगा सारे लिस्टेड कंपनी सेकंड अनलिस्टेड हैविंग नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 250 लिमिट सेम है सब लिमिट सेम है सिर्फ डेट्स का फर्क और डेट्स कैसे याद रखेंगे सीक्वेंस में याद रखो 15 16 17 18 19 बराबर पहले तीन के डेट्स है वो कंपनीज के लिए जहां कंपनी खत्म हुई वहां nbfc शुरू हो जाएगी 1819 इज दिस हीरो लोग वेरी गुड आंसर रचित भूषण अथेरा मोहम्मद आदित्य आनंदा वेरी गुड यस करेक्ट याद हो गया और कुछ है ही नहीं बस इतना ही है बस इतना सा ख्वाब है एनबीएफसी की डेट्स याद हो गई अब जैसे आप अपने के, के केस में कुछ नोट्स पढ़े थे वैसे एनबीएफसी के भी नोट्स पढ़ लो एनबीएफसी या जो भी कंपनी सबसे पहला नोट

अच्छा एनबीएफसी में फेज वन कब है एनबीएफसी का फेज वन है 18, तो उसके दो साल पहले शुरू करो। मार्च कर से जब से फेज तो तो दोन के दो साल पहले से तो लिख दो इधर फेज वन के इयर्स पहले ऐसा हिंदी में लिख देने का यहां भी लिख दू यहां भी लिख दू फेज वन के इयर्स पहले से देखना शुरू करना देखो ऐसे हिंड बनाते हुए चलने का मस्त याद रहेगा तुमको ठीक है उसके अलावा यह बात मैं ऑलरेडी बता चुका सेकंड पॉइंट की क्या है सेकंड पॉइंट में वॉलेंटरी अडोप्शन ऑफ इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ बैंक इंश्योरेंस एनबीएफसी जैसे कंपनी के लिए कैसे वॉलंटियर अलाउड था इनको वॉलंटरी अलाउड नहीं है तीसरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रीजनल रूरल बैंक छोटे छोटे बैंक होते हैं जैसे आपने कंपनी में कैसे एसएमई को बोला की एसएमई एक्सचेंजेड हो मत अप्लाई करना बैंक के लिए भी है अर्बन को मत अप्लाई करना, तो करना। ठीक है उसके अलावा होल्डिंग सब्सिडी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट अफ अब बैंक इंश्योरेंस एनबीएफसी अदर देन दोल अंडर कॉपोरेट रोड शाल अप्लाई ऑन द सेट डेट इसका मतलब क्या है अगर आप एनबीएफसी हो पेरेंट हो अगर आपकी सब्सिडरी भी एनबीएफसी है है ना तो अगर आपको एप्लीकेबल तो आपके सब्सिडी को भी एप्लीकेबल अगर आपको एप्लीकेबल तो आपके पेरेंट को एप्लीकेबल आपके जॉइंट वेंचर आपका सबको एप्लीकेबल वही वही बीमारी आपको एप्लीकेबल तो सबको एप्लीकेबल ठीक है और लास्ट पॉइंट है Comparatives भी आपको देना पड़ेगा एज पर इंडेस मतलब किसी करंट ईयर तो भी आपको as per देना पड़ेगा Clear वाला part? Yes. चलो अब मैं ना मुझे एक और एग्जाम्पल डिस्कस करना है जो अनिका ने भी जिक्र किया है बट मेरे को डिस्कस करना है फिर भी करूँ मैं मतलब अनिका ने पूछा बट मुझे डिस्कस करना है, ये तो मैं कर लेता एक बार वो क्वेश्चन में आएगा भाई थे क्वेश्चन में आएगा ठीक है बट फिर भी सुन लो सपोज ये पेरेंट है ये पेरेंट है ठीक है सुन लो ए बी सी ये कंपनी है आप कुछ तो लिख लो एग्जाम्पल नंबर टू कहीं तो लिख लो चाहिए तो चलो मैं लिखा दू मैं लिखा देता हूँ इधर आ जाओ लिखी लो ना अच्छे से बन जाएगा आपके लिए आप इसका जवाब खुद ही दे दोगे मुझे ठीक है सपोज ए के लिमिटेड ये पेरेंट और ये नॉर्मल कंपनी है नॉर्मल कंपनी ठीक है अब इसकी एक सब्सिडरी है

कॉज ऑफ पेरेंट सब्सिडी रिलेशनशिप लिख दो एनबीएफसी है? है मतलब इसका क्या देखना पड़ेगा वेरी गुड आंसर मोहम्मद उन्होंने कहा इसका क्राइटेरिया देखना पड़ेगा सर आपने बोला क्राइटेरिया देखो एनबीएफसी का आपने बोला क्राइटेरिया देखो एनबीएफसी का मैंने लिख दिया क्राइटेरिया देखो एनबीएफसी का मैं देख के बताऊ मेट तो इनको तो नहीं अप्लाई हुआ ठीक है इनको तो अभी मैं एक खास बात करने जा रहा हूं मजा आएगा अभी ठीक है तो इनका क्राइटेरिया चेक किया इनको अप्लाई नहीं हुआ ओके कोई दिक्कत नहीं है तो ये एनबीएफसी क्या फॉलो करता हुआ चलेगा फॉलो एस। मैं बोली तू, फॉलो तू एस फॉलो ए एस ठीक है लेकिन दिक्कत क्या जो आपके काफी लोगों के मन में सवाल आया होगा ये चीज का दिक्कत यह है ये पेरेंट है यह बनाएगा एस एफ एस और सी एफ एस जब ये बनाएगा सी एफ एस जब ये बनाएगा सी एफ एस तो इसको खुद का डेटा तो एज पर इंडेस चाहिए इसको एनबीएफसी का डेटा भी लगेगा ना एज पर इंडेस इसको एनबीएफसी का डेटा लगेगा एस पर इंडेस तो इस केस में फिर क्या होगा वही होगा जो आपने पहले भी डिस्कस किया तो ये जो एनबीएफसी है ये प्रिपेयर करेगी ओन फाइनेंशियल एज पर एस और फॉर सी एफ एस पर्पज फॉर सी एफ एस पर्पज ड डेटा एज पर इंडेस फॉर सी एफ एस पर्पस सेंड डेटा एज पर इंडेस और एक और बात बताऊ इसको डबल एफर्ट करना ही पड़ेगा क्यों एनबीएफसी में तो वॉलेंटरी एप्लीकेशन भी अलाउड नहीं है आप एनबीएफसी को तो यह भी नहीं बोल सकते कि तू इंडेस एडॉप्ट कर लेता ना नहीं कर सकता वॉलेंटरी अलाउड ही नहीं है तो इसको तो बाय डिफॉल्ट डबल एफर्ट मारना ही पड़ेगा और आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस मैं बताऊ आपने मुझे एकदम करेक्ट आंसर दिया इसका आयुष सुभाष यशु साक्षी पूजा समृद्धि वेरी गुड आंसर वेरी गुड तुमको समझ में आया मैंने क्या डिस्कस किया आपके साथ मैंने कुछ नहीं मैंने डिस्कस किया ऊपर वाला पार्ट मैंने बोला जब एक कंपनी को इंडेस एक को एएस है कोई दिक्कत नहीं है रिस्पेक्टिव बना दो ऐस पर ऐस इंडेस। जब मजा आ गया, यार, मजा आ गया।, दम, फील आ गया भाई साहब एक फ्लाइंग किसी दो फ्लाइंग को और तुमको भी फ्लाइंग चलो क्लियर वाला पार्ट क्या ठीक है तो ये लिख लिया एग्जाम्पल तुमने चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं केस ऑफ म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड पता है ना उसको भी अप्लाई कर दिया इंडेस फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी थ्री म्यूचुअल फंड को भी इंडेस अप्लाई कर दिया फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी थ्री मतलब आज के दिन पे किसको किसको इंडेस एप्लीकेबल है कंपनीज को एनबीएफसी को और म्यूचुअल फंड्स को इन तीनों को एप्लीकेबल है इंडस ठीक है ध्यान रखना क्लियर है क्या ठीक है एक आखिरी सवाल नहीं दो सवाल दो पॉइंट डिस्कस करने फिर कंसेप्ट खत्म फिर क्वेश्चन पे जाएंगे ठीक है सुन लो मेरे को है ना हमने क्या बोला कि हम कंपनीज वाले केस में थर्टी मार्च फोर्टीन से नेटवर्क चेक करना शुरू करेंगे थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन से नेटवर्थ चेक करना शुरू करेंगे बराबर मुझे एक बात बताओ नेटवर्थ का कैलकुलेशन बता दू एज पर ए एस अलग होता है और एज पर इंडेस अलग होता है मुझे यह चेक करना है कि इंडेस अप्लीकेबल है कि नहीं है तो मैं ऑडिटेड बैलेंस शीट चेक करता हूं ठीक है तो मैं जब नेटवर्थ कैलकुलेट करूंगा तो मैं एज पर ए एस कैल्कुलेट करूं या एज पर इंडेक्स कैलकुलेट करूं वापस से मेरी बात सुनना मुझे यहां चेक करना है कि नेटवर्थ मीट हुआ कि नहीं हुआ तो जब मैं नेटवर्थ निकालूंगा तो मैं पर एस निकाल के चेक करूं मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है या एस पर इंडेस निकाल के चेक करूं कि कि मीट हो हो रहा रहा है है नहीं बताओ जल्दी से बताओ एस पर एस के चेक करूं कि किस पर इंडेस निकाल के चेक करूं तो चलो श्रुति ने मुझे बोला एस पर एस लक्ष्य ने बोला एस पर एस बाकी साक्षी बोलती इंडेस मोहम्मद बोलते इंडेस सिमरन बोलते ए एस अथीरा बोलते ए एस मीत बोलते इंडेस आनंदा पवार कहते हैं आज कहते हैं ए एस मजा आ गया ऐसे मिले तो मजा आ जाता है गाइज बट काफी लोगों लोगों ने ने एस का है थोड़े बहुत लोगों ने इंडेस का है अरे बुद्धि मानो तुम ये चेक कर रहे हो कि मेरा नेटवर्थ मीट हुआ कि नहीं हुआ मीट हुआ तो बोलेंगे इंडेस अप्लाई करो मीट होने तक तुमको पता ही नहीं इंडेस क्या होता है तो जब ये चेक करना है तो तुम एस पर एस ही चेक करोगे बिकॉज तुम अपने ऑडिटेड बैलेंस शीट का नेटवर्क चेक करते हो ऑडिटेड बैलेंस शीट अरे ऑडिटेड बैलेंस पर एस, ना? फिलाल के लिए तो पहले पर, एस ना? पर इंडेस तुम्हारे पास डेटा ही नहीं है इंडेस तो बाद में आएगा ना पिक्चर में तुम पहले ये मीट करोगे फिर बोलोगे हो हाँ, दया दैया अब लगा इंडेस हा अब समझ आया सर तो इसका मतलब नेटवर्क चेक करना है तो एज पर ए एस चेक करना इनडेस नहीं समझा समझा सर ठीक है सर नेटवर्क कैलकुलेट कैसे करेंगे हाउ टू चेक द नेटवर्क तो मैं लिख देता हूं नेटवर्क तो पहले बोलूंगा नेटवर्क एज पर ए एस निकालना अब ना नेटवर्क का कैलकुलेशन पढ़ लो सिर्फ पढ़ लो एक रीड दे दो रीड करने से याद हो जाएगा मेरी गारंटी है सिर्फ रीड कर लो क्या क्या बोलता है बोलता है नेटवर्क में आएगा पेड़ अप कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम लेस 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 एनी अक्यूमलेटेड लॉसेस लेस एनी डिफॉल्ट एक्सपेंडिचर लेस एनी मिस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ ठीक है ये नेटवर्क कैलकुलेशन है एक डिस्कलेमर दिया हुआ है नेटवर्क नॉट नॉट इंक्लूड इंक्लूड का मतलब ये रिजर्व का आप इग्नोर करना मतलब ये सारे रिजर्व आप इग्नोर करोगे इग्नोर नेटवर्क डज नॉट इंक्लूड रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रीवैल्युएशन ऑफ असेट्स मतलब अगर कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व रहेगा तो इग्नोर कर देना कौन सा रिजर्व कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व रहेगा तो इग्नोर कर देना कोई राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा इग्नोर कर देना कोई रिजर्व रहेगा इग्नोर कर देना मतलब इन तीन रिजर्व को आप क्या करोगे इग्नोर करोगे जैसे तुम्हारी क्रश तुमको किया करती है इग्नोर ठीक है सर देखो पर्सनल मत हुआ सर पहले बता रहे आपको ठीक है सॉरी तो हाँ ये तीन रिजर्व का आप इग्नोर कर देना मतलब मैं बताऊ कैसे याद रखने का ये तीन रिजर्व छोड़ के बाकी जो भी दिखा सब कंसिडर करना है बाकी जो भी रिजर्व दिखा सब कंसिडर करना है ठीक है ध्यान रखना तो ये नेटवर्क कैलकुलेशन है ये भी काम आ सकती है एक आध क्वेश्चन में कोई पूछ सकता है आपसे क्लियर है वाला पार्ट क्या अरे हीरो क्लियर है क्या अगर तुमको यहां तक चीजें क्लियर है तो कंसेप्ट वाला पार्ट हो गया मैं अब तुरंत क्वेश्चन पे जाऊंगा एक बार सारे क्वेश्चन करा दिए लेक्चर एंड करने के पहले जो पूरा आज पढ़ा वो आपको रिवाइज कराऊंगा क्लियर है वाला पार्ट क्या अरे यस और नो फटाफट से बोलो जोर से बोलो अरे जय माता दी नहीं बोलो यस और नो यस ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं <coughs> मीत थोड़ा सा पेशेंस आ जाएगा आ जाएगा वो भी आ जाएगा चिंता मत कर बढ़ू आगे में ठीक है चलो ऑल क्लियर मैं जाऊं क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ ये रहे क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू इंडेस अच्छा अच्छा तुमको वो बताओ किस्सा किस्सा बताओ तुमको चलो ये एक मिनट का बीदा तो, तो ले ही सकते हो बेचारे थक गए होंगे पढ़ पढ़ के सुनो किस्सा क्या हुआ दो दिन पहले किसी ने बोला इफ एस एम ई है नेटवर्क और टू फिफ्टी देन अरे टू फिफ्टी का नेटवर्क तो एसमी हो गया ही नहीं एस एम ई का लिमिट है दस या पच्चीस हजार कुछ उसके ऊपर क्या तो ऐसी मी हो ही नहीं सकता तुम समझ रहे हो क्या तुम बोल रहे हो मैं पच्चीस साल का बच्चा हूँ तो क्या मैं शादी कर सकता हूँ क्या मैं अपना आपको बच्चा मानता हूँ अरे तू बच्चा ही नहीं तो एडल्ट है हाँ समझ गए सर हाँ, सुनो किस्सा क्या हुआ मैं ना डाउट सॉल्विंग जनरली करता रहता हूं ठीक है तो एक बच्चे का मेरे को मैसेज आया बोलता है सर आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन माइ स्टडीज तो नॉर्मली मैं सिर्फ एफआर को लेकर क्वेरीज है तो रिप्लाई करता हूँ रेलिवेंट को मेरे को पता है क्या आने आगे क्या आने वाला था मेरे को आइडिया था बट क्या आएगा वो तो और गजब था तो मैंने बोला भाई मैंने पूछा क्यों तो बोलता है उसका रीजन सुनना बोलता है सर I have a crush on a girl in my articleship. But she never gives me any attention. She only talks to another fellow article. And every day I see them talking, I feel jealous. I feel bad about myself. And I'm not able to focus on my studies. Every day I think that tomorrow I will go and talk to her. But still, she doesn't give me any bow. She talks to the other guy. तुम बताओ ऐसे क्वेरी का मैं क्या रिप्लाई करूं? देखो प्रोफेसर हूं अपना तहजीब मेंटेन रखना पड़ता है बताओ ऐसे ऐसे क्वेरी ऐसे ऐसे मतलब आर्टिकलशिप के फर्म को बना के रखा है भाई उसने <laughs> क्या करे आदमी तुम बताओ ऐसे ऐसे क्वेरी भाई अब बोलना मत सर सेम ईयर हाँ आधे लड़के बोले सर सेम ईयर ऐसे मैं ये कह रहा हूं ये सब क्वेरी मत पूछना मेरे को मेरे पास कोई जवाब नहीं है ठीक है वो है भाव नहीं देती सर मुझे। वो दूसरे का भाव दे रही है अरे <laughs> भाई लोगों के लाइफ का स्ट्रेस ही अलग चल रहा है ठीक है पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो आ, लव क्लासेस खोल दो सर बेचारा अटेंशन मांग रहा था मालिक चिप्स मांग रहा था <laughs> भाई मैं क्या करूं बताओ यार तुम <laughs> <आ, laughs> चेंज द फॉर्म अरे चेंज द फॉर्म नहीं फोकस ऑन स्टडीज फालतू तो, तुम भी देखो फालतू तो, फालतू तो फाल तो एडवाइस दे दो उसको ठीक है <laughs> इंडिया समझा दो अपने क्रश को एक एक लड़का <laughs> एक लड़के ने मीम भेजा था मुझे पता है एक लड़के ने मीम क्या था पता है वो बोलता है कि क्रश मतलब क्रश से बात हो रही होती है तो क्रश बोल रही होती है कि आई लाइक गाइस हु आर गुड इन अकाउंट्स तो वो लड़का बोलता है आ, मैं तेरे से थोड़ी देर में बात करता हूँ मुझे आकाश कंदू सर का कॉल आ रहा है उनको मैं अकाउंट समझा के आता हूँ <laughs>

का बैलेंस शीट किया थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन का बात कर लाइब्रेटी साइड अट्ड दिया द रोड मैप विच फेज कंपनी ए विल फॉल इन टू कौन से फेज में फॉल करेगा यह चेक करने के लिए पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे नेटवर्क कैलकुलेट करेंगे अब सुनना देखो जैसे ये चैप्टर बड़ा इजी सा चैप्टर है तो इसके क्वेश्चन में यही सॉल्व करा दूंगा लेकिन जब अपन आगे बढ़ेंगे ना तो चैप्टर आएंगे ऐसे बड़े बड़े जहां प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे लेंदी क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको नोटबुक में सॉल्व कराऊंगा ठीक है तो जो सिंपल यहां सॉल्व हो सकता है वो यहां करेंगे बाकी नोटबुक में करेंगे ठीक है इधर आ जाओ तो नेटवर्क निकालना पड़ेगा पहले थर्टी फर्स्ट मार्च फोटीन पे खड़े अपन क्या आप मुझे नेटवर्क निकालने में हेल्प करोगे करेंगे सर कैलकुलेटर लेके बैठना हीरो मैं भी ले आओ कैलकुलेटर ले आया मैं कैलकुलेटर आ जाओ सबसे पहले टवर्क में क्या क्या आएगा इक्विटी कैपिटल आएगा आएगा सर सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा आएगा सर जनरल रिजर्व आएगा आएगा सर रिजर्व Re इसको इग्नोर करना है है इग्नोर 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 ठीक प्रॉफिट एंड लॉस आएगा सर लाइविटीज वगैरह मत लेना वगैरह मत लेना मेसनिज एक्सपेंडिचर नॉट रिटन ऑफ ये भी आएगा सर तो देखो ये सारे पॉजिटिव बैलेंस होंगे और ये जो एक्सपेंडिचर है तो ये नेटवर्क के लिए नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए बराबर तो कैसे निकालोगे 160 सिक्सटी प्लस टू प्लस वन फिफ्टी प्लस सेवनटी फाइव माइनस एट्टी कितना है रे कितना है मेरे को तो आ गया फाइव जीरो फाइव फाइव जीरो फाइव ये माइनस करना मत भूलना भाई अरे तुमको पता है ना अस्सेट साइड में तो नेगेटिव बैलेंस की तरह करोगे तुम हाँ फाइव जीरो फाइव नेटवर्थ है बताओ कौन से फेज में फॉल कराएंगे मैंने क्या बोला था थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन अगर इन तीन में से पहले मीट कर गया तो आप फेज वन में ही आ जाओगे बराबर बताओ कौन से फेज में आएंगे वेरी गुड आंसर आप फेज वन में आ जाओगे ठीक है हो गया इतना ही है सेकंड क्या पूछता है विल योर आंसर चेंज इफ कंपनी ए इज अ अनलिस्टेड कंपनी मुझे बताओ अगर आप फेज वन में आए हो क्या फेज वन में भेदभाव है लिस्टेड अनलिस्टेड में देखो पहले बोलता है लिस्टेड कंपनी है फिर बोलता है अगर अनलिस्टेड होती तो भाई फेज वन में क्या कोई भेदभाव है क्या लिस्टेड अनलिस्टेड में नहीं फेज वन में आप लिस्टेड हो अनलिस्टेड मैटर आपको अप्लाई करना ही है इनडेस बराबर इफ योर नेटवर्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव हंड्रेड करोर ठीक है अच्छा फेज वन की डेट क्या आती मुझे डेट याद नहीं आ रही फेज वन की डेट क्या कब से अप्लाई करूंगा इंडेक्स जब डेट याद ना आए तो वो सीक्वेंस बनाने का पूरा क्या था सीक्वेंस फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन फिफ्टीन वॉज वॉल्ट्री सिक्सटीन वॉज मैंडेटरी का फेज वन बराबर सिक्सटीन वॉज फेज वन तो मैं लिखूंगा यू विल अप्लाई फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल सिक्सटीन अरे यस और नो वेरी गुड यश तन्मयी और अनुराग कबीर निकेता आयुष ने मुझे आंसर कर दिया चीज करेक्ट क्लियर है वाला पार्ट क्या क्वेश्चन नंबर वन इज सिंपल क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है सर आगे बढ़ते हुए चलो

बस प्रॉफिट एंड लॉस सेवेंटी फाइव के बदले थ्री सेवेंटी फाइव मान लो थ्री 375 अब बताओ नेटवर्थ कितना होता आपसे सवाल पूछ रहा हूं अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस थ्री सेवेंटी फाइव होता तो नेटवर्थ कितना होता ये बताओ जल्दी से तो मैं करूं कैलसी पे मैं बोलूंगा वन सिक्सटी प्लस टू हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी माइनस थ्री सेवेंटी फाइव और यह माइनस एट्टी कितना आया मात्र फिफ्टी फाइव आया श्रुति वेरी गुड आंसर इस केस में नेटवर्थ मैं बता दूं लिस्टेड कंपनी है अपनी हां लिस्टेड कंपनी है तो नेटवर्थ कितना है 55 करोड़ अच्छा बताओ इंडेस अप्लाई करना है कि नहीं करना है नहीं तो ना बोलो अप्लाई करना है तो कौन से फेस से अप्लाई करना है ये बताओ फटा फटाफट से मैं बता दूं पहले लिस्टेड है अपन लिखा था ना ऊपर लिस्टेड है अपन <coughs> बताओ वेरी गुड आंसर भले नेटवर्थ 55 करोड़ है फिर भी आप अप्लाई तो करोगे कब से अगर आपने बोला नॉट एप्लीकेबल चाटे लगाओ ऐसा करो और लगा लो एक क्यों अरे बाबा लिस्टेड होना तो फेज टू में तो आ जाओगे ना क्योंकि क्या बोलता है All listed companies full stop. तो फेस में कब से आएंगे डेट्स क्या थी 15, 16, 17 वॉलेंटरी फेज वन फेज टू तो फेज टू की डेट क्या है फर्स्ट अप्रैल 17 तो अगर आप लिस्टेड हो तो फेज टू में आ जाओगे you will apply from 1st April 17. सबको समझ में आया ये बात आगे सर समझ में देखो लिखा हुआ भी है इधर कंपनी ए फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल सेवेंटीन क्योंकि वो फेस टू में आ जाएगा ठीक है अच्छा एक और चीज पूछिए इधर विल योर आंसर चेंज इफ कंपनी ए इज अनलिस्टेड अगर ये अनलिस्टेड होती तो तो अगर अनलिस्टेड कंपनी हो और आपका नेटवर्थ सिर्फ 55 करोड़ करोड़ बताओ करूं अप्लाई इंडेक्स उस केस में वेरी गुड आंसर कोई भी फेज में आप फॉलो नहीं करोगे नॉट एप्लीकेबल इस केस में आप कोई भी केस में फिर फॉल नहीं करोगे नॉट एप्लीकेबल क्लियर वेरी गुड चलो तो ये आपका बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन नंबर टू देखो कितने अरे कंसेप्ट समझ में आया ना तो बाकी सब सिंपल है कुछ नहीं है उसके अंदर क्लियर किया आगे बढ़ो सर क्वेश्चन नंबर थ्री इलाशेशन थ्री क्या बोलते हैं सुनो अब मजेदार है अब तुम्हारा अपन चेक करते हैं दिमाग कितना चल रहा है

थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन को नेटवर्थिस था 600 करोड़ बताओ इंडेस एप्लीकेबल इफ यस वेरी गुड संजय साक्षी कबीर ने मुझे करेक्ट आंसर किया है सर फेस बराबर क्या अच्छा फेज वन मतलब विच डेट डेट बताओ कि डेट कब से अप्लाई करूंगा भले मीट हुआ फोर्टीन में Normally, हम क्या बोलते अप्लाई करो बट नेक्स्ट ईयर नहीं फेज वन शुरू ही होता होता है है लिख दिया करो 15, 16, 17, बराबर voluntary, phase one, phase two, तो शुरू से तुमको याद नहीं आएगा हमेशा लिख, लिख लिया करना तुमको नहीं आएगा याद लिख लिया करना ठीक है से अब देखो क्या गेम खेलता है तुम्हारे साथ तो सिक्सटीन से तो करना ही है तुमको हाव एवर ड्यू टू लॉसेज इनकर्ड इन फोर्टीन फिफ्टीन नेटवर्थ ऑफ दॉस फोर हंड्रेड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन बोलता है फोर्टीन में तो मीट हो गया लेकिन फिफ्टीन में जाकर कम हो गया बताओ कंपनी भी क्या अभी भी इंडिया सप्लाई करेगा क्या एक बार नेटवर्क पांच सौ पार हो गया किसी फाइनेंशियल ईयर में बाद में गिर जाए तो भी फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा क्यों इंडेस वंस एप्लीकेबल रॉन्ग आंसर Very good. Very good. Right किया, किया ताली मारो लेकिन ताली के बीच गाल रखो अपना ऐसे हाँ अरे सर नो मजा आ गया चलो आगे बैठ रहा हूं मैं क्या चिंदी, चिंदी सवाल है यार ऐसा लग रहा नहीं है सी एफ एन एल का क्या बोलते हैं नेटवर्थ ऑफ द कंपनी अनलिस्टेड है अनलिस्टेड फोर हंड्रेड एज थर्टी फर्स्ट देखो कैसा गेम खेला है पहले चार सौ था फोर्टीन तक फिर फिफ्टीन में 600 हो गया बराबर मैं बोलूँ अगर थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन थर्टी फर्स्ट मार्च फिफ्टीन या थर्टी फर्स्ट मार्च सिक्सटीन इन अगर इसके पहले आपका नेटवर्थ पांच सौ पार हो गया इसके पहले नेटवर्थ पांच सौ पार हो गया तो आप कौन से में फॉल करोगे पहले तो फोर हंड्रेड टू में जाओ अरे फेज वन शुरू कब हो रहा है 16। तो 16 के पहले, किसी भी साल में आप पहुंच जाओगे ना पांच सौ पार तो फेज वन में फॉल करोगे इस दिन के पहले आप कभी भी अगर नेटवर्क पार कर दोगे 500 का तो आप फेज वन में फॉलो करोगे देखो देखो ऐसा देखो, 1 चालू होने के के पहले तो आप न, तो आप आप 500 पार पहुंच गए ना में ही आओगे समझा पढ़ जवाब देना क्लियर चलो हो गया आगे बढ़ रहा हूं अब इलेट्रेशन नंबर फाइव अब मेरी क्या आदत है सुनना जैसा आपने पहली बार में सारे क्वेश्चन किए सपोज दस क्वेश्चन जब आप सब्सिक्वेंटली पढ़ोगे तो अपने वो चीजें कंसाइज कंसाइज करना करना चाहिए आप एफआर की किताब देखोगे ना मोटी 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 लगेगी आपको वो मोटी पहली बार में है लेकिन उसको अपने करना है तो मैं क्या करता जब मैं क्वेश्चन एलडीआर मार्क तो हम क्या करेंगे फर्स्ट टाइम हम सारे क्वेश्चन रीड करेंगे लेकिन जब आप सब्सिक्वेंटली रिविजन करने जाओगे एग्जाम के पहले रिवाइज करोगे तो हमारा फोकस फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा रहेगा एलडीआर क्वेश्चन तो है, है जो आपके कंसेप्ट अच्छे से कवर कर लेते हैं जो आपके कंसेप्ट अच्छे से कवर कर लेते हैं इसलिए मैं इसको क्या कहता हूं एलडीआर क्वेश्चन ठीक है तो ऐसा मार्क करते हुए चलेंगे अपन क्लियर ए वाला पार्ट हीरो चलो अब सुनो क्या बोलते हैं कंपनी डी इज द पेरेंट कंपनी ऑफ ग्रुप ए ठीक है मैं लिख देता हूं पहले हैरार की बनेगी ठीक है कैसे बनेगी देखना एक है कंपनी डी ठीक है ये कौन है ये पेरेंट है किसकी पेरेंट है कंपनी ए की पेरेंट है तो मैं लिख देता हूं तो इस केस में क्या हो गई सब्सिडरी हो गई सबको समझता है वाला पार्ट सबको समझता है वाला पार्ट कंपनी ए हो गया सब्सिडरी क्या बोलता है आगे फिर एक और कंपनी है कंपनी बी अनलिस्टेड है ठीक है अच्छा ए भी अनलिस्टेड है सब अनलिस्टेड ही इधर अनलिस्टेड अनलिस्टेड सब अनलिस्टेड है ठीक है <coughs> एक और कंपनी कंपनी बी इट इज अब्सिडरी ऑफ कंपनी ए इसका मतलब क्या है मतलब ए और बी के बीच में भी रिश्ता है मैं वो रिश्ता बना देता हूं इधर ए और बी के बीच में भी रिश्ता है ए और कंपनी बी के बीच में रिश्ता है इस रिश्ते में कंपनी ए पेरेंट है और कंपनी बी सब्सिडरी है तुम समझे क्या तू समझा नहीं समझा तू समझा अरे कंपनी डी अल्टीमेट पेरेंट उसकी एक सब्सिडरी है ठीक है? अब ए के पास भी एक सब्सिडरी है ये, कैसे मालूम पड़ा लिखा है ना बी इज अब्सिडरी ऑफ अब आगे का लिखा सुनना फिर बोलता है सी सी इज अ सब्सिडरी ऑफ बी मतलब ये बी की भी एक सब्सिडरी है क्या रंगीन लोग है भाई बी की भी एक सब्सिडरी है कंपनी सी तो इस रिश्ते में बी पेरेंट है और सी सब्सिडरी है बराबर इस रिश्ते में बी पेरेंट और सी सब्सिडरी कैसे देखो ना सी सब्सिडरी ऑफ बी सब्सिडरी ऑफ बी क्लियर क्लियर है सर ठीक है अब है ना आगे आपको नेटवर्क का दे रखा है क्या बोला सुनो नेम ऑफ द कंपनी बी बी का नेटवर्क कितना है सिक्स हंड्रेड थर्टी फर्स्ट मार्च फोर्टीन को तो क्या बी को इंडेक्स एप्लीकेबल हो गया बी को इंडेस एप्लीकेबल हो गया तो मैं लिख देता हूं इस बी को इंडेस एप्लीकेबल क्यों नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव हंड्रेड हो गया मतलब लिखता नेटवर्थ नेटवर्क छह सौ है इसका इसलिए फेज वन में आ जाएगा ये फर्स्ट अप्रैल सिक्सटीन क्योंकि फोर्टीन में मीट कर गया तो सिक्सटीन से आ जाएगा इसका है ना ठीक है क्या सी को क्या सी को खुद से एप्लीकेबल हो रहा है सी का नेटवर्क देखो वन है सी का नेटवर्थ इज वन इसको खुद से एप्लीकेबल नहीं हो रहा है ए ए और B, A और डी का कोई नेटवर्क मेंशन नहीं किया हुआ है ठीक है तो मान लो उनको एप्लीकेबल अच्छा नीचे दिया हुआ रहेगा ए एंड सी ए एंड सी आर अनलिस्टेड एंड डू नॉट एक्सीड नेटवर्क क्राइटेरिया हाव एवर नेटवर्थ ऑफ बी अच्छा सोल्यूशन है तो सॉरी सोल्यूशन पढ़ रहा हूँ क्या पूछा सुनो वेदर इंडेस इज एप्लीकेबल टू ए बी सी

और फेज वन से अप्लाई करना पड़ेगा सिंपल है ना फेज वन से अप्लाई करना पड़ेगा ए और सी को बी की वजह से एप्लीकेबल हुआ ठीक है क्या ठीक है तो तीनों का एप्लीकेबल है पूछा तो बता देना भाई इसमें एक चीज का ना पूछा नहीं है पता है किसका नहीं पूछा है बताओ किसका नहीं पूछा है डी इसका पूछा ही नहीं है और मैं बताऊ इन डेज में इतना डीप डिस्कशन किया भी नहीं है क्योंकि क्या होगा सुनो बी का पेरेंट ए है है ना और ए का अल्टीमेट पेरेंट डी है बराबर तो बी की वजह से क्या डी को अप्लाई करना है कि नहीं करना है इसके बारे में इंडिया साइलेंट है देखो डी कोई फेलो सब्सिडरी नहीं है बी का डी कोई फेलो सब्सिडरी नहीं है बी का पेरेंट ए ए का पेरेंट डी ये अल्टीमेट इसको बोलते अल्टीमेट पेरेंट मेन पेरेंट अल्टीमेट पेरेंट तो क्या अल्टीमेट पेरेंट को अप्लाई होता है क्या तो सर इसके बारे में बताओ इंडिया चुप साइलेंट बट अगर आप मेरे से पूछोगे ना मेरे से तो मुझे लगता है योर द वर्ड पेरेंट इंक्लूड्स योर पेरेंट ऑल्सो एंड योर अल्टीमेट पेरेंट ऑल्सो द वर्ड पेरेंट इंक्लूड्स योर डायरेक्ट पेरेंट ऑल्सो एंड योर पेरेंट का पेरेंट ऑल्सो तुम समझ रहे हो तो आइडियली अगर आप डी को पूछो तो मुझे लगता है डी को भी एप्लीकेबल होना चाहिए अल्टीमेट पेरेंट को भी एप्लीकेबल होना चाहिए मैं वापस से रिपीट कर दूं द वर्ड पेरेंट एक्चुअली इंक्लूड्स अल्टीमेट पेरेंट एज वेल ठीक है ये मेरा इंटरप्रिटेशन है जहां तक मैंने जितना पढ़ा हुआ के बारे में अप्लाई हो जाता है डी को भी ठीक है नॉर्मली ये, ये ये, ये तो देखे तो ठीक है बट इसके बारे में कुछ पूछा नहीं है तो आपको जवाब देना नहीं है बट चांस अपने को लॉजिकली समझना होता है ना तो हो जाएगा अप्लाई उसको ध्यान रखना ध्यान रखना फेलो सब्सिडरी नहीं अल्टीमेट पेरेंट है ठीक है एप्लीकेबल हो जाएगा डी को क्लियर मैंने पता डिस्कस क्यों किया अगर मैं डायरेक्टली पूछता ना काफी लोग बोलते नहीं एप्लीकेबल होगा इसलिए डिस्कस एक बार कर लिया ताकि बाय चांस एग्जाम में आए तो बता सको आप अपने हिसाब से यस साक्षी और करेक्ट चलो मैं आगे बढ़ूँ आगे बढ़ूँ सर ठीक है इलस्ट्रेशन नंबर सिक्स ये भी एल डी आर क्वेश्चन है ये भी एल डी आर क्वेश्चन है अब मजा आएगा अब देखता हूं तुमको कितना आता है ठीक है क्या बोलता है स्ट्रक्चर बताया हुआ देखो डी के दो सब्सिडरी है ठीक है देख लो मतलब डी हो गया पेरेंट ठीक है इसकी दो सब्सिडरी एक सब्सिडरी ई e और एच ठीक है अभी जो ई e है इसका एक सब्सिडरी है और एक एसोसिएट है बराबर और ये जो एच है एच एच का एक सब्सिडरी है एच का एक सब्सिडरी है ठीक है ध्यान रखना क्लियर है वाला पार्ट क्या मतलब पेरेंट की दो सब्सिडरी इसका दो रिश्ता और इसका एक रिश्ता अलग से अब इधर आओ ध्यान से क्या बोलते हैं

इसकी वजह से किसको किसको अप्लाई करना है ध्यान से सुनना मैं एक एक करके पूछूंगा बोलना यस और नो क्या इसके पेरेंट को अप्लाई करेंगे डी को यस तो डी को अप्लाई होगा यस सर मैं ग्रीन से लिख रहा हूं ठीक है अच्छा क्या इसके खुद के सब्सिडरी को अप्लाई करेगा यस सर डायरेक्ट सब्सिडरी इसका खुद का एसोसिएट जी जी को अप्लाई करेंगे जी को बोलो यस और नो वेरी गुड आंसर जी को भी करेंगे यस सर तो डायरेक्ट पेरेंट डायरेक्ट सब्सिडी डायरेक्ट एसोसिएट इसको तो अप्लाई कर दिया ई के लिए एच एक फेलो सब्सिडरी है बताओ ये फेलो सब्सिडरी और ये फेलो सब्सिडी का रिश्ता क्या मैं इनको एच और आई को अप्लाई करूंगा क्या इंडेस जल्दी से बताओ क्या एच और आई को अप्लाई करेंगे इंडेस वेरी गुड आंसर यार वेरी गुड आंसर आप इनको अप्लाई नहीं करोगे एच ओर आई को आप अप्लाई नहीं करोगे फेलो सब्सिडी इसको वेरी गुड ये आए तो रिश्ते में भी नहीं आता है ये इसकी फेलो फेलो और fellow का रिश्ता नहीं अच्छा मैं ऐसा बोल दू, मैं ऐसा ऐसा बोल बोल पेरेंट को तो अप्लाई हो गया ना तो पेरेंट की सब्सिडी उसको अप्लाई करो बोल मत देना इस पेरेंट को डायरेक्टली नहीं किसी और की वजह से अप्लाई हुआ है जिसको किसी और की वजह से अप्लाई होता है वो नहीं कहता कि मेरे भी सब्सिडी को अप्लाई करो नहीं जिसको खुद अप्लाई हुआ है वो सिर्फ बोल सकता है कि मेरा पेरेंट मेरा सब्सिडरी मेरा एसोसिएट क्लियर क्या यस ठीक है इसमें एक और डिस्कशन कर लूं हां वो श्रद्धा और साक्षी ने मेरे को जिक्र कर दिया उसका कर लो उस डिस्कशन सुन लो ये जो डी है डी 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 कंपनी डी बनाएगा सीएफएस सबका डाटा लगेगा ना एस्पर इंडेस सबका डाटा जब सीएफएस बनाएगा ना डी ऐसा मान लो सबके साथ बनाएगा सबका डेटा लगेगा एस पर इंडेस तो ये एच और आए एच और आई एच एंड आई कंपनी ये इंडिविजुअल individual में इंडिविजुअली दे फॉलो ए एस बट सी एफ एस के लिए उनको डेटा भेजना पड़ेगा एस पर इंडेस वेरी गुड फॉर सी एफ एस बस इतना तुमको याद रखना है सर हमको ये सब इतना रट्टा मारना है क्या मैंने क्या बोला तुम याद करो तुम जब सी ए इंटर में थे लॉ ऑडिट थियरी था तुम क्या उसके आंसर वर्ड टू वर्ड एग्जाम में लिख के आते थे क्या नहीं ना हो गए ना पास सेम इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रिमेंबर इन लोग जितनी चीजें लिखते हैं। आप कैसे आंसर करोगे आपको लिमिट्स पता है आप पहले लिमिट्स बता दो फिर बता दो लिमिट्स की वजह से फेस टू में फॉल करेगा ई को अप्लाई हो जाएगा उसकी वजह से सबको अप्लाई हो जाएगा और इनको अप्लाई नहीं होगा ये लिख दिया इंग्लिश में इंग्लिश तो आती है ना अपने को बेसिक इंग्लिश में लिखना है हाई भी नहीं और फिर बोल देना इन दोनों को भले ही ए एस है बट सी एफ एस डेटा भेजना पड़ेगा एज पर इंडियस खत्म कहानी और कुछ नहीं करना है पूरे पूरे स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देना बस ये पता तुम कैसे आंसर कर पाए इसको अपन नेग्जाम्पल में डिस्कस कर लिया था ना इसलिए तुमको इजीली आ गया कोई दिक्कत ही नहीं पड़ी अपने को आगे बढ़ू फटाफट से आगे बढ़ जाओ सर चलो नंबर में आ जाओ ये क्वेरी काफी बच्चे मुझे पूछ रहे थे लेकिन मैं अवॉइड नंबर वाली क्वेरी बड़ा सिंपल से क्या बोलता है सुनो एबीसी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरिन फॉरिन कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है ठीक है जिसका नेटवर्क कितना है सात करोड़ अब एक बात बताओ आप एक फॉरिन कंपनी हो क्या मुझे चेक करना चाहिए कि आपको इंडेस एप्लीकेबल है कि नहीं है आपका नेटवर्थ है सात 700 करोड़ लेकिन आप फॉरन कंपनी हो अरे बब्बा अगर आप हो ही नहीं इंडिया कंपनी, तो मैं आपको इंडिया के स्टैंडर्ड अप्लाई क्यों करूंगा जब आप हो ही नहीं इंडिया कंपनी तो मैं आपको इंडिया के स्टैंडर्ड क्यों अप्लाई करूंगा अरे बब्बा तुम फॉरेन के हो मैं तुमको बोला इंडिया में आके होली खेल फुलझड़ी जला

सिक्स हंड्रेड और एक है वाई वाई नेटवर्थ इज वन फिफ्टी वाई का नेटवर्थ वन फिफ्टी अच्छा अब ये दोनों इंडियन कंपनियां इट है, है मान लो इंडियन कंपनी है दोनों ये इंडियन कंपनी है इंडियन कंपनी इंडियन कंपनी सबसे पहली बात क्या एबीसी को मैं अप्लाई करूं एबीसी को पिक्चर में लाना ही मत एबीसी को पिक्चर में लाना ही मत अब आएगा एक्स क्या एक्स को अप्लाई होगा यस yes. बताओ कौन सा फेज में अप्लाई होगा क्या मुझे आंसर करोगे आप लोग सब लोग फेज वन में अप्लाई होगा वेरी गुड फर्स्ट अप्रैल अच्छा वाई को वाई को अप्लाई करूं ये मत बोलना सर पेरेंट का मीट हो गया था तो सब्सिडरी को अप्लाई करो ए ये पेरेंट इंडियन है ही नहीं, नहीं, नहीं फॉरेन है तो इसकी वजह से इसको अप्लाई हो सकता है ही नहीं सेकेंड थिंग एक्स के लिए वाई इज अ फेलो सब्सिडरी के एक्सकेले वाई अब्सिडरी तो फेलो सब्सिडरी की वजह से मत अप्लाई करना और वाई का खुद का लिमिट मीट ही नहीं कर रहा है तो नॉट एप्लीकेबल एप्लीकेबल को क्यों नहीं नहीं है है एक तो तो का का खुद का मीट नहीं किया फेलो है तो उसकी वजह से अप्लाई कर सकते हैं नहीं तीसरा भले इसका पेरेंट मीट कर रहा है लेकिन पेरेंट खुद फॉरन कंपनी है तो उसकी वजह से भी अप्लाई नहीं हो सकता तो बेसिकली जब आपका पेरेंट फॉरेन कंपनी होता है ना तो पेरेंट को भूल जाने का सिर्फ खुद का देखने का दैट्स इट मैं मानता हूं कि ये दोनों अनलिस्टेड है ठीक है अनलिस्टेड है मैं ऐसा मान लेता हूं ठीक है अगर लिस्टेड होती तो तो फिर इसको आप में ले जाना लिस्टेड होती तो कुछ नहीं बोला तो मान लेता अनलिस्टेड है इन्फॉर्मेशन है नहीं वैसे गुड क्वेश्चन किसने पूछा था मुझे लिस्टेड के चेक करो इसी का वो बताया नहीं है तो मान लो अनलिस्टेड है करके लिस्टेड होगी तो फेस टू का जवाब दे देना फिर क्लियर यस yes. किसी ने पूछा सी कैसे होगा ये फॉरन कंपनी है ये अपने खुद के कंप्लाई करेगा, उसका हमको लेना देना नहीं है वो देखेगा क्या करना है उसका CFS का, इंडियन तो है नहीं तो हम इसके सी एफ की क्यों बात करें क्लियर चलो आगे बढ़ रो क्वेश्चन हो गया अगेन एल वाला आर क्वेश्चन ने बोला एक बार फिर से बता दो फॉरन को अप्लाई क्यों नहीं होता बिकॉज वो इंडियन कंपनी नहीं है ये जो इंडिया की लिमिट्स है वो इंडियन कंपनीज के लिए है तुम किसी भारतीय को थोड़ी लाके बोले अप्लाई कर कैसी बातें कर रहे हो यार अभी साउथ अफ्रीका में है। ऐसा बोला नेटवर्थ अगर पांच करोड़ के ऊपर हो तो अप्लाई कर देना तुम क्या साउथ अफ्रीका वाले हो क्या नहीं ना तो तुम क्यों अप्लाई करोगे वैसे ही लोग के लिए फॉरेन कंट्री क्यों अप्लाई करेंगे इंडिया का अच्छा एक आईटीएफजी का वर्ड यूज किया हुआ है इसका फुल फॉर्म लिख लो मतलब ये चीज का जो डिस्कशन है ना फॉरेन कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है वो बे टैक्स में नहीं किया हुआ इसके लिए गाइडेंस नोट इशू किया था आईटीएफजी आईटीएफजी का फुल फॉर्म इंडेस टेक्निकल फैसिलिटेस फैसिलिटेशन नॉट फेलिसिटेशन फेलिसिटेशन मतलब वो गिफ्ट देना फेसिलिटेशन <laughs> ग्रुप

नॉर्मल कंपनी है ठीक है इज अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी वाई एनबीएफसी ओके तो मतलब ये एक सब्सिडरी है किसकी ये एक सब्सिडरी है इसका पेरेंट कौन है इसका पेरेंट है कंपनी वाई कंपनी वाई एक एनबीएफसी है और ये पेरेंट भी है ठीक है अच्छा क्या बोला है एक्स को कब से अप्लाई करना है एक्स को अप्लाई करना है फ्रॉम 1718 17, 18, इंडेस अच्छा एक बात बताओ को को हो गया 17, से तो क्या बोलेगा मेरे को कर दो बोल देता लेकिन यहां नहीं बोल सकता क्योंकि सब्सिडरी नॉर्मल कंपनी है और एनबीएफसी पेरेंट है तो इसका अपन क्या चेक करेंगे इसके खुद का क्राइटेरिया चेक करेंगे इसका खुद का क्राइटेरिया चेक करो इसका खुद का क्राइटेरिया चेक करेंगे बराबर क्या ठीक है लिख दिया मैंने ये चीज और मैंने बता दिया एक्स को एप्लीकेबल है सेवनटीन एटीन से इंडेस। ओके अब आगे बढ़ते वाई इज अ अनलिस्टेड एनबीएफसी एफ हैविंग नेटवर्थ ऑफ फोर हंड्रेड करोड़ ये कौन है ये वाई ये अनलिस्टेड है नेटवर्थ फोर हंड्रेड है क्या आप मुझे बताओगे कौन से फेज में और फेज बताने के बाद डेट बता देना गाइस फेज बताओ और डेट बताओ टाइम स्टार्ट सुनाओ कैसे डेट बताओगे लिखो ना सीक्वेंस में फिफ्टीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ऐसा फेज बताओ डेट बताओ वेरी गुड आंसर यार सर ये तो फेज टू में फॉल कर जाएगा एनबीएफसी के फेज टू में कैसे निकालेंगे 15, 16, 17, 18, 19. कंपनी का वॉलेंटरी फिर फेज वन फेज टू बराबर फिर एनबीएफसी का फेज वन फेज टू तो नाइनटीन फर्स्ट अप्रैल 19, वेरी गुड सबसे पहले इसका जवाब मुझे दिया था देखने दो जरा किसने सबसे पहले जवाब दिया कौन था समझदार अंजलि भूषण निरंजन कपिल पंकज वेरी गुड वेरी गुड आदित्य मोहित तानिया वेरी गुड क्लियर ठीक है तो ऐसे मैंने लिख के पूरा निकाल दिया ओके okay, तो ये 1920 से अप्लाई करेगा इंडेस और ये अप्लाई कब से कर रहा है 1718 से इंडेस अप्लाई कर रहा है ठीक है चलो बस इतना ही था और कुछ नहीं है अब आगे पढ़ ले एक बार क्वेश्चन में क्या बोला है व्हाट विल बी द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस टू कंपनी एक्स एंड वाई तो एक्स का तो खुद ही बताया था यहां से एप्लीकेबल है वाई का कब से एप्लीकेबल है वाई का 1920 से एप्लीकेबल है अच्छा इफ इफ

और एक है कंपनी एक्स ठीक है एक है सेवनटीन एटीन एटीन नाइनटीन नाइनटीन ट्वेंटी एंड ऑनवर्ड्स ठीक है अच्छा सेवनटीन एटीन से एक्स को एप्लीकेबल होना शुरू हो गया था तो एक्स बना रहा था एज पर इंडेस इंडेस इंडेक्स ये जो वाई एनबीएफसी है ये पेरेंट भी है मुझे बताओ क्या में वाई को एप्लीकेबल हुआ था इंडेस। नहीं सर वाई को तो 1920 से से एप्लीकेबल हुआ तो 17, में वाई तो में फॉलो फॉलो कर कर रहा था। कर रहा था था उसने शुरू किया, इंडेस। यहां से उसने किया इंडेस। तो ये तो मैंने इनके एस एफ एस की बात करी जब इंडिविजुअल बनाएंगे अब जब यह सी एफ एस बनाएगा कंपनी वाई जब सी एफ एस बनाएगा 17, 18 में, 18, NBFc CFS कैसे बनाएगा एस पर एस के एस पर इंड जल्दी से बताओ सी एफ एस कैसे बनाएगा एस as AS की एस बनेगा पेरेंट को एप्लीकेबल है तो सी एफ एस एस पर इंडेस बनेगा तो मैं बोलू 17, में, CFS as per AS ही बनेगा. 18, में भी CFS एस पर एस ही बनेगा अगर आप देख पा रहे हो तो एक इंसान के लिए डबल काम होने वाला है वो है कंपनी एक्स क्योंकि जब सी एफ एस बनेगा एज पर एस तो इन दोनों सालों में कंपनी एक्स को डेटा सेंड करना पड़ेगा एस पर एस मतलब ये एक्स अब देखो नॉर्मली क्या होता था हम ए एस फॉलो कर रहे थे और डेटा भेज रहे थे एस पर इंडेस यहां हम इंडेस फॉलो कर रहे लेकिन क्योंकि हमारे माई बाप को ए एस फॉलो करना है तो हमको डेटा भेजना पड़ेगा एज पर ए वापस से रिपीट करूं नॉर्मली क्या हो रहा था नॉर्मली ये हो रहा था कि हम सी एफ एस हम पहले ए एस फॉलो कर रहे थे और डेटा भेजते थे एज पर इनडेस सी एफ एस के लिए उल्टा हो रहा है यहां हमारी पेरेंट को लेट अप्लाई हो रहा है इनडेस बराबर तो हमारी पेरेंट जब तक ए एस फॉलो कर रही है ना तब तक हमको सीएफएस के लिए हमको मतलब सब्सिडरी को सब्सिडरी को सी एफ एस के लिए डेटा भेजना पड़ेगा एस पर एस फॉर दिस टू इयर्स सिंपल यस दिस क्लियर टू एवरी वन बोलो यस yes और नो no. फटाफट से बोलो यस और नो ये भाई शानदार चीज है इसलिए ये क्वेश्चन एल डी आर है इसलिए ये क्वेश्चन एल डी आर है क्लियर यस ठीक है चलो मुझे अब दो पांच मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा तो अभी वैसे दस बज गए तो जिसको लेट हो रहा है ना कैन लीव फॉर थोड़ा सा पार्ट बाद में फर्स्ट सेशन यूट्यूब तो उतना पार्ट यूट्यूब में देख लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जिसका भी फटाफट से हार्डली फाइव और लूंगा, मैं five, और लूंगा. Anyways, भाई ये शानदार चीज था ध्यान रखना अच्छा चीज है रिपीट कर दू हुआ क्या सब्सिडरी को जो नॉर्मल कंपनी है इंडेक्स पहले एप्लीकेबल हो गया पेरेंट को एनबीएफसी को बाद में एप्लीकेबल हुआ तो ये जो पेरेंट है ये सी एफ एस तब तक एज पर एस बना रहा है तो जब तक ये एस पर एस बनाएगा ना तब तक सब्सिडरी को बोलेंगे तो डेटा भी एज पर एस भेजता हुआ चल सिंपल बस इतना ही और कुछ नहीं है इसके अंदर क्लियर दैट्स इट अब एक और क्वेश्चन है दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन ठीक है ये भी एल डी आर क्वेश्चन बोलूंगा अच्छा मेरी क्वेश्चन बैंक का सीक्वेंस समझ लेना मेरे क्वेश्चन बैंक में ना पहले सारे जो क्वेश्चंस दिखेंगे आपको कोई भी चैप्टर चालू कैसा वो चैप्टर किया पर नहीं है तो पहले सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के हैं जैसे एट क्वेश्चंस है तो एट इलेट्रेशन मॉड्यूल में उसके बाद मैं एक सेक्शन बनाता हूं इसी चैप्टर का एम टी पी आर टीपी पास्ट पेपर तो ऐसे क्वेश्चन जो एम टी पी आर टी पास पेपर में आए लेकिन अपने मॉड्यूल में नहीं है वो मैं यहां लेता हूं तो सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन है जो एम टी में है और अपने मॉड्यूल में भी था तो फिर उसको मैं वापस कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं मतलब इस सेक्शन में सिर्फ नॉन रिपीटेटिव एम टी आर टी वाले क्वेश्चन है ताकि आपके लिए ऐसे फालतू में बोजाना बन के रह जाए है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आप डायरेक्टली आंसर कर पाओगे कौन कौन फॉलो करेगा तो देखो बोला हुआ सबसे पहले अगर आप लिस्टेड हो देखो मैं आज की बात कर रहा हूं अब मैं दो हजार पंद्रह की बात नहीं कर रहा हूं आज की सपोज आप दो में खड़े हो तो आज के दिन पे तो आप ये वाला चेक करेंगे नहीं 500 वाला क्राइटेरिया चेक ओनली द 250 वाला क्राइटेरिया क्या बोलता है अगर आप लिस्टेड हो आज के दिन पे अप्लाई करना ही है कॉर्पोरेट एंटिटी मतलब नॉर्मल कंपनी अगर आप अनलिस्टेड हो तो उस केस में आपका कितना या उसके ऊपर ठीक है उसके अलावा अगर आपको एप्लीकेबल तो आपकी होल्डिंग सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट उनको भी उसके में सेम, अगर अनलिस्टेड एनबीएफसी हो तो नेटवर्थ चेक करेंगे ऊपर का और म्यूचुअल फंड

एम को भी फॉर्म हो सकता है इसके ऊपर ठीक है तो जो भी है अपन अभी रेडी है इसके लिए पहले मुझे बताओ तुमको यहां तक समझ आया क्या जल्दी से बताओ बोलो यस और नो यस ठीक है अब अपन ने जो भी आज के दिन पे पढ़ा मेरी आदत है मैं रिवाइज करवाऊंगा ठीक है तुमको यहां तक समझ आ गया ना ठीक है चलो तो पहले तो अपन ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे अब जो भी आपने आज पढ़ा मैं चाहूंगा आपको एक मीठा मीठा रिविजन करवा दूँ फटाफट से क्विक रिविजन रेडियो गाइस पहले बताओ फटाफट रेडियो रिविजन के लिए जो आपने टॉपिक में पढ़ा काम की बात जो आज पढ़ी जो आज अपन ने पढ़ा एफ आर में क्या होता है वो सब नहीं डिस्कस करूंगा जो चैप्टर पढ़ा अपन उसका रिवीजन हो जाएगा गाइस बोलो यस चलो यस अब है ना तुमको जो भी तकलीफ रहेगा ना कि आपने देखो इतना सब पढ़ लिया लेकिन चीजें कंसाइज कैसे होगी हमको याद रहेगा क्या वो सब अभी आपको पांच मिनट दो पूरा अच्छे से विद क्वेश्चन रिवाइज कराता तो हूं मजा आ जाएगा आप लोगों को ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन इन थ्री

तो ये अपना कंपनीज का हो गया उसके अलावा नेटवर्क कब से चेक करना शुरू करें आपके फेज के दो साल पहले से दैट इज स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट फेज में आए अगर इन तीनों में से कोई भी ईयर में फॉल हुआ तो आप फेज वन में अप्लाई कर लेना ठीक है आज के दिन की बात करूं आज के साल की बात करूं तो एज ऑफ नाउ हमसे फेज टू चेक करते वैसे ठीक है एनीवेज उसके अलावा इंडेस वन एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल उसके अलावा यह बीमारी की तरह है, तो आपका एप्लीकेबल तो आपके पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंटर को फेलो सब्सिडरी को अप्लाई होगा फेलो सब्सिडरी को दो फेलो सब्सिडी को अप्लाई नहीं होगा उसके अलावा इंडेस स्टैंडर लोन और सी एफ एस दोनों पर अप्लाई करना ठीक है उसके अलावा अगर आपका पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर कोई बैंक इंश्योरेंस एनबीएफ सी है तो फिर रिश्ते की वजह से अप्लाई मत करना उनका रिस्पेक्टिव डेट देखा जाएगा फिर उस केस में मतलब आप नॉर्मल कंपनी आपकी सब्सिडियरी एनबीएफसी तो फिर रिस्पेक्टिव डेट देखेंगे भी पर इंडेस बना के देना। और जिसको इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं वो ए एस अपलाई करता हुआ चलेगा हो गया ठीक है ये कंपनीज का था बैंकिंग इंश्योरेंस के लिए डेट अब तक बताई नहीं है एनबीएफसी में कोई वॉलेंट्री नहीं है मैंडेटरी है

वॉलेंट्री अडोप्शन यहां अलाउड नहीं है अगर आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या रीजनल रूरल बैंक हो तो मत अप्लाई करना अगर आपका एप्लीकेबल तो आपकी होल्डिंग सब्सिडरी को भी एप्लीकेबल अगर वो होल्डिंग सब्सिडरी भी एनबीएफसी है तो ठीक है अगर होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है तो उसकी रिस्पेक्टिव डेट देखी जाएगी ठीक है और अगर अप्लाई करें तो भी देना पड़ेगा एज पर इंडेस अगर आप म्यूचुअल फंड हो विदाउट एनी लिमिट म्यूचुअल फंड को अप्लाई हो गया इंडेस ठीक है उसके अलावा जब नेटवर्क चेक करोगे तो एज पर ए एस वाला चेक करेगा एज पर इंडेस वाला एज पर ए एस वाला चेक करना

तो आपकी पेरेंट आपकी डायरेक्ट सब्सिडरी को एप्लीकेबल हो जाएगा लेकिन फेलो सब्सिडरी को एप्लीकेबल नहीं होगा पहली चीज सेकेंड चीज अगर पेरेंट को एप्लीकेबल हुआ तो उसको डेटा सबका एज पर इंडेक्स लगेगा तो अगर ऐसी कोई कंपनी है जो एएस फॉलो कर रही है तो वो एएस फॉलो कर सकती है लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ सीएफएस उसको डेटा एज पर इंडेक्स भेजना पड़ेगा ठीक है ध्यान रखना सेम अप्लाइज टू एक ऐसी कंपनी जिसका सब्सिडरी एनबीएफसी है जिसको अप्लाई नहीं हुआ है तो अगर पेरेंट को एप्लीकेबल हो गया और एनबीएफसी का एप्लीकेबल नहीं हुआ तो एनबीएफसी तो AS एस फॉलो करता हुआ चलेगा लेकिन CFS के पर्पस के लिए इस एनबीएफसी को भी डेटा भेजना पड़ेगा एस पर इनडीएस अपने पेरेंट को ठीक है ध्यान रखना अब अपन ने ये सब करने के बाद कुछ क्वेश्चंस किए थे जब मैं क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा तो फटाफट से सारे एल क्वेश्चन गो थ्रू करवा लेता हूं पहला इलेस्ट्रेशन नंबर फाइव सिंपल था वो बोलता है ये हायर है डी पेरेंट उसका सब्सिडरी ए उसका सब्सिडरी बी उसका सी यहाँ बी के पेरेंट को एप्लीकेबल हो जाएगा डी का पूछा नहीं लेकिन पूछते तो को भी applicable हो जाता बिकॉज डी कोई सब्सिडरी नहीं है डी अल्टीमेट पेरेंट उसको भी अप्लाई कर देना चाहिए उसके बाद एक और ठीक है जहां डी पेरेंट था इसकी दो सब्सिडरी इस सब्सिडरी का एक सब्सिडरी एसोसिएट सब्सिडरी अब इसको अप्लाई हुआ e को तो इसका डायरेक्ट पेरेंट डायरेक्ट सब्सिडी डेट एसोसिएट एप्लीकेबल हो जाएगा लेकिन फेलो को एप्लीकेबल नहीं होगा ठीक है ध्यान रखना क्योंकि को को हुआ हुआ तो तो है ये बनाएगा CFS, तो भले इन इन दो दो का नहीं हुआ, फिर भी एज पर इंडियस फॉर द पर्पज ऑफ सी क्लियर है वाला पार्ट ध्यान रखना उसके अलावा एक इलेट्रेशन नंबर सेवन भी अच्छा था फॉरेन कंपनी को लेकर फॉरेन कंपनी को इंडस एप्लीकेबल नहीं है तो उसका लिमिट देखना ही मत और अगर इसकी कोई सब्सिडी है तो वो रिस्पेक्टिवली चेक करेंगे वो कंपनी की वजह से अप्लाई नहीं करेंगे ध्यान रखना ठीक है फिर था नंबर ये भी शानदार क्वेश्चन था क्या बोलता है सुनना एक एनबीएफसी उसकी सब्सिडरी थी कंपनी ठीक है अब सब्सिडरी को जल्दी अप्लाई हुआ पेरेंट को लेट अप्लाई हो रहा है बराबर तो सब्सिडरी को अप्लाई हुआ सब्सिडरी इंडेस फॉलो करना शुरू कर देगा पेरेंट पहले पहले ए फॉलो करेगा तो जब तक ये पेरेंट ए फॉलो कर रहा है ना तो वो पेरेंट सी एफ एस बी एस पर एस बनाएगा तो ये जो सब्सिडरी है इसको डेटा एज पर एस भी भेजते रहना पड़ेगा पेरेंट को भले ही वो इंडेक्स फॉलो कर रही है सब्सिडरी बट जब तक पेरेंट ए एस फॉलो कर रहा है तब तक इसको भी डेटा एज पर ए एस भेजता हुआ चलना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ सी एफ एस इज दिस क्लियर टू एवरी वन अब मुझे बताओ क्या तुमको अब कॉन्फिडेंस आता है क्या बताओ अब तुमको कॉन्फिडेंस आता है क्या और एक सिंपल सा क्वेश्चन था किसको किसको अपलिकेबल हो तो पढ़ चुके अपन क्या तुमको अब लगता है कि अब ये चैप्टर तुम्हारे कंट्रोल में है बोलो जल्दी से यस और नो वेरी गुड यार बताओ मजा आया कि नहीं आया जेनवनली बताओ ऐसा लगा तुमको कि आज अपन कुछ पढ़कर निकले मजा आया अपने को बोलो यस और नो आया सर मजा आया ठीक है अगर मजा आया तो इसी बात पे एक पिंकी प्रॉमिस करके जाना जो क्लास के शुरुआत में लिया था क्या कितना भी कॉन्फिडेंस लगे कितना भी अच्छा लगे कितना भी ऐसा लगे कि मेरे को आ गया सर क्या करना है आज बताओ क्या करोगे आज घर पर आज का क्या काम है तुम्हारा देखो मैंने सारे क्वेश्चन क्लास में करवाया एक भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया तुमको तो एक होमवर्क तो है तुम्हारे लिए क्या है वेरी गुड आंसर सेल्फ रिविजन करना ही है आज का चैप्टर छोटा था तो जल्दी ही हो जाएगा दस से पंद्रह मिनट में हो जाएगा तुम्हारा लेकिन लेकर जरूर बैठना करना ही पड़ेगा मतलब करना ही पड़ेगा बात खत्म वेरी गुड तो कर दो पिंकी प्रॉमिस पिंकी प्रॉमिस मतलब बोलो पीपी -पी। पिंकी प्रॉमिस पिंकी प्रॉमिस सर ठीक है चलो तो आज करके आना रिवाइज मजा आ गया मेरे को आपको पढ़ा के आई होप आपको भी उतना ही मजा आया होगा पढ़ के और एक और चीज है जब भी चैप्टर खत्म करेंगे ना तो देखो मैंने इतने मेहनत से पढ़ाया तो मैं ऐसा बोलूंगा के है भाई साहब इसका मतलब क्या है देखो तुम्हारे एक के भाई साहब ने कितना बढ़िया पढ़ाया ना तो बस इसी बात पे के है भाई साहब पर टाइम पास करते करते पढ़ते रहेंगे आप उनको चिंता वाली बात नहीं है ठीक है तो सबने कर दिया पिंकी प्रॉमिस नयन कुशल मोहम्मद साक्षी आयुष सब श्रद्धा पंकज यश सब ने कर दिया पिंकी प्रॉमिस तो इसी बात पे अपन सेशन करते समाप्त शुक्रिया एवरी थैंक यू सो मच मिलते हैं कल कल अपन एक और टॉपिक डिस्कशन शुरू करेंगे ठीक है कल मैं स्कड्यूल थ्री की बातें करूंगा और स्कड्यूल थ्री खत्म होने के बाद समय मिला तो एक इंडेस भी शुरू करूंगा आपके साथ ठीक है तो इसी बात पे शुक्रिया थैंक यू सो मच आई होप आपको मज़ा आएगा मेरे को आपको पढ़ा के बड़ा मजा आया ठीक है तो रिवाइज ए रिवाइज करके आना कल अगर रिवाइज देगा क्लास में एंट्री लूंगा ही नहीं मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास से सर ऐसे कैसे निकाल देंगे ऑनलाइन में मेरे पास है टेक्निक बाहर निकाल दूंगा ठीक है तो प्लीज रिवाइज करके आना कल कल मैं पूछूंगा तो कल बोलना मैं करके आया ठीक है रिवाइज सो बाय बाय बाईर चलो हां एक और चीज डाउट पूछा है किसी ने डाउट ले लेता हूं रुको जिसको डाउट है पूछ लो भाई मैं हूं अभी <coughs> क्या पूछा है और को डाउट है क्या इफ इंडिया इज एप्लीकेबल टू पेरेंट देन सब्सिडरी सब्सिडरी के अप्लाई करना होगा या नहीं तानिया इसका भी डिस्कशन नहीं है बट आप अप्लाई कर सकते हो वो फेलो सब्सिडी नहीं होनी चाहिए बस ये ध्यान रखना ठीक है सर अगर एनबीएफसी की लिमिट एक्सीड हुई तो उसके सब नॉर्मल कंपनी को तो तो, हो तो उस पर अप्लाई होगा देखो चारों एक बात समझो अगर एक एनबीएफसी है और एक नॉर्मल कंपनी है रिश्ते की वजह से आपस में कभी अप्लाई मत करना ठीक है अगर एनबीएफसी और कंपनी अलग कैटेगरी है ना तो इनके रिस्पेक्टिव डेट ही देखे जाएगी इनके रिश्ते को इग्नोर कर देना एक सिंपल सी बात याद रखो ठीक है चलो आ, और कुछ क्वेरी तो बता दो भाई कपिल ने कुछ क्वेरी पूछी थी एक सेकंड देख दो तो मुझे जरा बेचारे कपिल ने क्या पूछा था मजा आ गया सर वेरी गुड इंडियन कंपनी के सब्सिडरी फॉरेन में हो तो कपिल फॉरेन कंपनी आप उसको क्यों अप्लाई करोगे इंडिया नहीं अप्लाई करना उसको ठीक है और कुछ है तो बताओ मेरे ख्याल से आई हैव टेकन ऑल दी रेलिवेंट क्वेरीज ठीक है चलो सो यू सो मच बाकी कुछ रहेगा तो पूछना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी के लिए अलविदा शुक्रिया मिलते हैं कल बाय बाय टेक केयर सी ऑल बाय बाय चलो बाय बाय बोलो फटाफट से बाय बोल के भाग जाओ बाय बाय